हेलो एवरीवन आप सब लोगों का स्वागत है वापस से जीनो में के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और मैं आपके सामने वापस हाजिर हूँ कुछ नए कंटेंट के साथ कुछ नई चीज़ों के साथ आप सभी का वापस से स्वागत है फटाफट -फड़ सब लोग कनेक्ट हो जाएं महादेव शंकर बलबी सहवाल गुड इवनिंग बच्चे आ, कांता धाकड़ महेश दक्ष बेबी गर्ल ये नाम है बेटा तेरा अच्छा बात है चलो स्वाति है धीरू है सराज और देवकिशन दिलीप महेंद्रा कोटावासी सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चे ओके राधे राधे सताल खुदा हाफिज नहीं खुदा हाफिज नहीं बोलते क्या बोलते हैं आने को कुछ और बोलते हैं जाने खुदा हाफिज बोलते हैं नहीं चलो अच्छी बात है सर आप डेली लाइव कब आओगे डेली में अब तुम यही पूछोगे तो कैसे काम चलेगा डेली तो पॉसिबल नहीं है ना ना कभी कभी आ जाते हैं जब ज़रूरत लगती है ना आप लोगों के पास तो आ जाता हूँ मैं राम ओके बेटा राम राम बेटा सबको सर इतने दिनों में कहाँ इतने दिनों से आपके रिकॉर्डेड वीडियो देखकर आज पहली बार मुझे लाइव क्लास अटेंड करने को मिला है आकांक्षा महीना तो खलवली मचाने आए आप सबके भाई कहलाते आप, अरे बा बहुत बढ़िया झारखंड से भी है शिष्य रमन शर्मा गोड ब्लेस यू बेटा जी तेरा सो टूडे वी डिस्कस अबाउट सम मोर थिंग जसाम लिखा हुआ है सी एच ओ कुछ हम सी के बारे में बात करेंगे कुछ डी के बारे में बात करेंगे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एन के बारे में बात करेंगे तो इन सब के बारे में आज की क्लास बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्लास का लेवल जो मैंने रखा है मैंने इसमें एक्सक्लूसिव नॉट सेट का लेवल इसीलिए नहीं रखा है कि नॉट सेट के लेवल के क्वेश्चन इसमें बेशक नहीं है पर रेशनल इसमें आपको नॉट सेट वाला मिल जाएगा पर एक क्वेश्चन जो मैंने फ्रेम किए हैं डी के सी के और एच के लेवल के हैं तो आप इन क्वेश्चनों को तैयारी करके बहुत ज्यादा खुश मत होना कि इतना इजी है क्योंकि पेपर ऐसा ही आएगा और बहुत दुखी मत होना जब मैं रेशनल दूं और तुम्हें उसका रेशन समझ में ना आए तो रेशनल थोड़ा टिपिकल होगा क्वेश्चन थोड़े इजी होंगे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बस शर्त याद रखना पेपर के लेवल को ध्यान में रख के और जो पेपर का लेवल है ये भाई से अच्छा कोई नहीं जानता कि कौन से लेवल में कौन से एग्जाम में किस लेवल का आएगा सीएचओ में एनएचएम में और डीएसएसबी के लेवल को ध्यान में रखकर और पुराने एग्जाम को फॉलो करते हुए पैटर्न को देखते हुए ये जो मैंने आज के क्वेश्चन बनाए हैं इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि बच्चे बहुत डिमोटिवेट ना हो पेपर के हिसाब से तैयारी करें और उन्हें पता रहे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं खासकर डीएसएसबी सी एच ओ और एनएचएम के लिए जलवाई भाई का ठीक है बच्चे चलो गॉड ब्लेस यू बच्चे ब्रजेश ठीक है बच्चे तो मैंने वापस एनएचएम के बारे में बता देना बिल्कुल बताएंगे बेटा एनएचएम के बारे में क्वेश्चन का पैटर्न बता दूंगा ऐसा ही आएगा सौ परसेंट ऐसा ही आएगा ठीक है दशरथ कुमार गुजर बेटा ऑलवेज टीचर हैव द ब्लेसिंग फॉर द स्टूडेंट ऑलवेज मेरी ब्लेसिंग आप लोगों के साथ ही है अब मैं हूं आप, आप हो तो मैं हूं समझ आया बच्चे चले चलो आज एन ए टेंशन आज एन एच एम की टेंशन खत्म एन एच एम के लेवल का क्वेश्चन आपको बता दूंगा वो याद रखिएगा ठीक है बच्चे सर मेरा नाम भी तो बोल दीजिए करेगा कभी क्या नाम बेटा तेरा ले जय श्री श्याम बोल दे बेटा तेरा नाम अरे इतना सुंदर नाम है तेरा तेरे नाम बोल के मेरे पाप धुल गए लव यू फ्रॉम त्रिपुरा मलाकर बाबू गॉड ब्लेस यू बच्चे त्रिपुरा अरे शानदार गॉड ब्लेस यू मतलब तो जीनोमिक जो है वो पेंडेमिक है हर जगह जीनोमिक है ठीक है बच्चे सर तो आपकी सक्सेस के पीछे कितने साल की मेहनत है आज भी मेहनत कर रहा हूँ बच्चे सारुख आज भी मेहनत कर रहा हूँ तभी सक्सेसफुल हूँ मेहनत छोड़ दूंगा सक्सेस खत्म लाइफ में डिसिप्लिन और हार्डवर्क कभी नहीं छोड़ना चाहिए किसी इंसान को चाहे वो कितना भी आप ले कितना भी अपने आप में आगे चला है ठीक है बच्चे चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा फटाफट क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए चलो बटे बिना टाइम और हाँ कई सारी चीजें हैं डीएसएस के बारे में बताया जाएगा डीएसएस में पेपर कैसा आएगा क्या एज क्राइटेरिया होगा सबके बारे में बात करी जाएगी पर वन बाई वन पहले हम पढ़ेंगे जब पढ़ते हैं तब तो मोटिवेशन मिलता है थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है तो बात करने में अच्छा लगता है फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करें आंसर देखे मधु कौ मधु खीर भोपाल से गॉड यू बच्चे लोबिनाली आते रहिए सर कोशिश बेटा यही है आते रहने की मनु परमार परमार गॉड बेटा पूजा पटेल सर आपकी बहुत बड़ी फैन गॉड ब्लेस यू बच्चे इजी क्वेश्चन है आपको सामने दिख गया होगा बिल्कुल मैं एक बार पढ़ देता हूँ क्या क्वेश्चन में क्या लिखा है फिजिशियन प्रिस्क्राइब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैबलेट डिजोक्सिन डोज इज वन जीरो पॉइंट वन टू फाइव एम जी ओडी ओरली टैबलेट डिजोक्सिन अवेलेबल इन जीरो पॉइंट टू फाइव एम जी द नर्स शुड एडमिनिस्टर्ड द नर्स शुड एडमिनिस्टर ये क्वेश्चन डी एस एस बी में आया हुआ क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन डीएसबी में आया हुआ है तो पैटर्न को ध्यान में रखकर आपको बेफिक्र रहिए और ऐसे ही सेम ऐसी इतनी सिंपल कैलकुलेशन के क्वेश्चन आपको सीएचओ में भी मिल जाएंगे सेम कैलकुलेशन के क्वेश्चन इजी वाले और एनएचएम में मिल जाएंगे अब आप ये भी गलत करोगे तो बहुत बड़ा बेकार लगेगा बच्चे इसे गलत मत करिए कृपया ठीक है तो ये कह रहा है कि आपको ये जो डोज देना है ये जो डोज देना है वो कितना देना है जीरो पॉइंट टू फाइव एम जी देना है अरे छोड़ो फॉर्मूला इतना मैथ तो तुम चुटकियों में कर देते हो और जो टेबलेट अवेलेबल है वो टेबलेट कितने में अवेलेबल है जीरो पॉइंट टू फाइव एम जी में जीरो पॉइंट टू फाइव जीरो एम जी में अवेलेबल है अब जीरो पॉइंट टू फाइव एम जी का ये क्या होता है हाफ होता है अरे हाँ या ना तो एक टैबलेट में जीरो पॉइंट टू फाइव जीरो हाफ कर देंगे तो डोज क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट टू फाइव तो आंसर क्या जाएगा आधी टैबलेट दूंगा तब जाके डोज आधा हो जाएगा और उतना हो जाएगा जितना मैं चाहता हूं क्या इतनी सी बात समझ आए बच्चे तो बेटा आपको इतना सो सर आपकी क्लास का वेट रहता है

एक से तीन साल का बच्चा है तो जीरो पॉइंट जीरो एट एम जी पर के जी पर डे दे देते हैं याद रखिएगा ठीक है बच्चे ये दोनों डोज में जो आपको बता रहा हूं ये डिजॉक्सिन के डोज हैं अब आपने कहा डिजॉक्सिन करता क्या है तो बेटा याद रखिएगा डिजॉक्सिन दो चीजों के लिए बड़ा फेमस है एक तो ये क्या करता है हार्ट रेट को कम करता है और कार्डिक आउटपुट को बढ़ाता है तो बेटा हार्ट रेट को कम करता है और कार्डिक आउटपुट को बढ़ाता है यानी ये मान लीजिए कि हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन की क्वालिटी को इंप्रूव करता है और क्वांटिटी को कम करता है तो आपने कहा हार्ट रेट को कम करेगा तो हार्ट रेट को कम करना ये इसका कैसा इफेक्ट होता है दैट इज नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट तो बेटा ये कैसा होता है नेगेटिव नेगेटिव क्रोनो ट्रॉपिक इफेक्ट होता है किसका डिजॉक्सिन का जब वो हार्ट रेट को कम करता है और कार्डिक का आउटपुट को बढ़ाता है तो ये कौन सा इफेक्ट होता है ये पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट होता है समझ आए बच्चे तो ये पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट होता है आयनोट्रोपिक इफेक्ट होता है किसका डिजॉक्सिन का तो दोनों इफेक्ट होते हैं कार्डिक आउटपुट को बढ़ाता है जिसमें पॉजिटिव आयनोट सॉरी आयनोट्रोपिक इफेक्ट हो गया और हार्ट रेट को कम करता है तो नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट हो गया क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई बच्चे आपके गूगल आप पे अच्छे लगते हैं अंकिता बिना अरे ठीक है गूगल ने बेटा एक अच्छा गूगल गोगल्स बोला मैं गलत पढ़ लिया फिर तो ठीक है देन आफ्टर आपने कहा और कुछ बताइए बेटा याद रखिएगा अगर हाई फाइबर डाइट ले रहे हो कैसी डाइट दे रहे हो बच्चे को अगर हाई फाइबर डाइट दी जा रही है सुन लीजिएगा बच्चे हाई फाइबर डाइट डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ डिजॉक्सिन ये डिजॉक्सिन के एब्जॉर्प्शन को कम करती है याद रखिएगा तो बेटा अगर डिजॉक्सिन के एब्जॉर्प्शन को कम करेगी हाई फाइबर डाइट इसलिए याद रखिएगा कि अगर ऐसी डाइट आप दे रहे हो किसी बच्चे को तो डिजॉक्सिन या तो उस डाइट से एक घंटे पहले या दो घंटे बाद में दी जाएगी याद रखना तो डिजॉक्सिन आप कब दोगे वन आवर बिफोर या तो एक घंटे बिफोर दीजिए या फिर टू आवर्स लेटर टू आवर्स लेटर द मील ऐसे खाने के बाद में दो घंटे बाद दीजिएगा या ऐसे खाने से एक घंटे पहले दीजिएगा किसको डिजॉक्सिन को कब जब हाई फाइबर डाइट ले रहा है बच्चा अगर आपको अच्छे से पता है कि डिजॉक्सिन जो है वो हार्ट रेट के हार्ट रेट को कम करता है तो हार्ट रेट को कम कर रहा है इसका मतलब मुझे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या लगती है कि मुझे इसकी मॉनिटर करनी पड़ेगी क्या हार्ट रेट और मॉनिटर करनी पड़ेगी कब पूरे एक मिनट के लिए करनी पड़ेगी ऐसा मत करना कि पंद्रह सेकंड के लिए काउंट करके चार से गुणा कर दो ऐसा नहीं चलेगा अगर आप डिजॉक्सिन दे रहे हो तो आपको पूरा एक मिनट के लिए हार्ट रेट को काउंट करना पड़ेगा और कौन सी हार्ट रेट बेस्ट रहेगी आंसर है एपिकल कौन सी लेनी है बेटा एपिकल लेनी है हार्ट रेट और पूरी एक मिनट के लिए लेनी है क्या इतनी सी बात समझ में आई बिल्कुल आ रही होगी आपको सब आता है तो सी बात है आपको यह भी आ रहा होगा आगे चलें देन आफ्टर आपने कहा और बताओ सर डिजॉक्सिन के बारे में अगर डिजॉक्सिन अगर आप दे रहे हो और किसी बच्चे की हार्ट रेट किसी इंसान की हार्ट रेट पहले से कम आ रही है तो आपको इसे होल्ड करना पड़ेगा होल्ड कर देना किसको डिजॉक्सिन को कब करना पड़ेगा होल्ड बच्चे जब किसी एडल्ट की हार्ट रेट किसी एडल्ट की हार्ट रेट लेस देन सिक्सटी बीपीएम बीट्स पर मिनट आ रही हो तो मुझे इसे होल्ड करना है समझ में आ रहा है अगर किसी बच्चे की अगर किसी चाइल्ड की जो है वो लेस देन सेवेंटी आ रही हो तो इसे होल्ड करना है और अगर कोई इन्फेंट का नाम लेके पूछे तो बेटा इन्फेंट में लेस देन नाइन्टी आ रही हो तो इसे होल्ड करना है तो डिजॉक्शन को होल्ड कर लेना ये तीन तरीके बताए कि एडल्ट का अलग बताया चाइल्ड का अलग बताया और इन्फेंट का अलग बताया आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी बच्चे बिल्कुल आ रही होगी तो आपको डिडक्शन होल्ड करना पड़ेगा ऐसा बच्चे की इंसान की एज पे डिपेंड करता है कि आप कौन से वाले कंडीशन में क्या करोगे क्या इतना पहला क्वेश्चन आपको कुछ देके गया बिल्कुल क्वेश्चन जो था वो डीएसएसबी के सीएचओ के लेवल का था पर एक्सप्लेनेशन जो है वो नॉर्थ सेट के लेवल का है कोई भी निराश नहीं होगा जो बच्चा बैठा है उसको हर एग्जाम हर पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन मिलेगा क्लास लंबी चलने वाली है और मैं बताऊंगा लाइव रहेगी कि कैसी रहेगी वक्त बताता है मूड बताता है एंड टाइम पे जब क्लास गायब हो जाती है तब बड़ा दुख होता है तो आपने कहा चलो ठीक है बच्चे बताओ फटाफट -फड़ क्या है नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है बेटा कुछ भी नहीं सब बढ़िया है फटाफट बेटा अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास को लाइक नहीं करा सही समय का वेट मत करो क्लास को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो और क्लास को शेयर करो यह काम सबसे पहले कर लिया करो आप विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस कौन सा आप स्केल चेक में करते हो लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस को देखने के लिए क्या मैं अबगार स्कोर को चेक करता हूं अबगार स्कोर न्यू बॉर्न में चेक करते हैं हम ये देखने के लिए कि सर्वाइवल के चांस कितने हैं तो न्यू बोर्न में चेक करते हैं सर्वाइवल के चांसेस को देखने के लिए पेटर्स यानी एक्स्ट्रा यूटेराइन में बच्चा सर्वाइव करेगा या नहीं कर रहा क्या देना पड़ेगा ऑक्सीजन देनी पड़ेगी सीपीआर देना पड़ेगा या रूटीन केयर देना पड़ेगा इस बात का कर निर्धारण करने के लिए हम अबगार स्कोर का चेक करते हैं और अबगार स्कोर का आंसर नहीं है लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस के लिए हम अबगार स्कोर काम में नहीं लेते तो स्नेल चार्ट किस में काम आता है स्नेल चार्ट काम बड़ा। आपको अच्छे से पता है स्नेल चार्ट का काम काम है काम है विजुअल में आता यानी कि जो विजुअल है उसको चेक करने में काम आता है दिखता है ना क्या बोले आपने कहा ओ ओ ओ एम 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 टी 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 दिखाई देता है ना नीचे वो जो आंख आंख के अंदर नाम सामने रख के देखते व्हाइट कलर के में जो कलर जो दिखाई देते हैं ना आपको अक्षर उसे कहते हैं स्नेल चार्ट और इससे क्या देखते हो विजुअल एक्टिविटी चेक करते हैं क्या करते हैं विजुअल एक्टिविटी चेक की जाती है तो ये वाला आंसर भी नहीं रहेगा आपने कहा पता ब्रेंडन हो सकता है क्या नहीं ब्रेंडन नहीं हो सकता ब्रेंडन हम कहा काम में लगते हैं प्रिडिक्टिंग सोर आप बैड सोर के रिस्क को करने के लिए आप इसमें चेक करते हो कि कोई अगर मौजूद है अगर मौजूद मौजूदा रिस्पेक्टर तो क्या इससे बैड सोर होगा या नहीं होगा इसका प्रिडिक्शन लगाने के लिए किस में काम लेते हैं ब्रेंडन स्कोर का काम में लेते हैं तो बेटा बैड सोर कहूं या प्रेशर सोर कहूं इसके लिए ब्रेंडन स्कोर काम में लिया जाता है इसके अंदर टोटल कितने होते हैं सिक्स क्या होते, है? होते हैं पैरामीटर छह पैरामीटर होते हैं पहला स्टेटस है. टोटल कितने हो गए बच्चे छह हो गए दोबारा सुन लो रिफ्लेक्ट सेंसरी परसेप्शन छह कौन कौन से हैं ब्रेंडन में जो काम आते हैं बेड शोर के अंदर बच्चे याद रखिएगा पहला कौन सा बताया है? मैंने मैंने बताया रिफ्लेक्ट सेंसरी परसेप्शन रिफ्लेक्ट सेंसरी परसेप्शन एक तो ये होता है ब्रेंडन का और बेटा कौन सा होता है ये आपको फंडा वाले सर ने पूरा बढ़ा रखा होगा बस मैं नाम बता रहा हूं कौन कौन सी चीजें पाई जाती है क्लियर है और स्किन में स्किन का मॉइस्चर स्किन में जो है वो मॉइस्चर कैसा है ठीक है बच्चे तीसरा कौन नंबर पे कौन होता है एक्टिविटी चेक करते हैं एक्टिविटी कम होती है या ज्यादा होती है तीस चौथे नंबर पे हम क्या चेक करते हैं मोबिलिटी चेक करते हैं एक ही जगह पड़ा रहता है या मूवमेंट करता है इसके बाद हम क्या चेक करते हैं फ्रिक्शन चेक करते हैं फ्रिक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक करते हैं बेटा तब जाकर हम बताते हैं कि इसे बेड शोर होने के चांस हैं या नहीं है तो टोटल कितने पैरामीटर होगा बेटा ब्रेंडन के अंदर छ तो जब सारे ही हमने बता दिए कौन कौन से हो गए तो ये इसका आंसर है नहीं ये मैंने बता दिया होगा नहीं स्नेल चार्ट होगा नहीं तो बेटा आंसर क्या जाएगा ग्लास स्केल समझ आ रहा बेटा तो आपने कहा अच्छा तो ग्लासकोमा स्केल के बारे में थोड़ा सा बता तो आई पांच आई आई और मोटर में, में कितने होते हैं और और कितने होते है तो बेटा टोटल इसका स्कोर कितना हो गया पंद्रह पंद्रह इसका मैक्सिमम स्कोर है इसका मिनिमम एक है एक है और एक है तो इसका मिनिमम कितना हो गया तीन तो बेटा इसकी रेंज होती है तीन से लेके पंद्रह इट्स जहां सर का सड़क नहीं पहुंचा रही तक आपने ज्ञान पहुंचा दिया गॉड ब्लेस यू बच्चे जीता रहे बेटा बस इसीलिए पढ़ाते हैं कि सब बस जो बच्चा गांव बैठा है वो नहीं आ पा रहा वो भी पढ़ ले कुछ अपना भला कर ले ठीक है बेटा सिर्फ भले के लिए सारी चीजें अब आपने कहा तीन से लेकर पंद्रह ग्लास को माई स्केल हो सकता है आपने कहा ठीक है मिनिमम कितना होता है तीन मैक्सिमम कितना होता है जीरो मैक्सिमम कितना होता है पंद्रह तो जीरो बोलते हैं कुछ लोग मिनिमम है नहीं मिनिमम तीन ही होगा ठीक है बेटा क्या आपको समझ में आ रहा है तो ग्लास्कोमा स्केल से क्या पता पड़ता है लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस का पता लगाते हैं किससे ग्लास्कोमा स्केल से अगर ग्लास्कोमा स्केल का आठ से कम आ रहा है तो इसे कॉमा कहेंगे कॉमा नहीं मतलब फुल स्टॉप यानी कि परमानेंट कॉमा में जाना यानी मूड छा में चला जाना आठ से कम आता है तो क्या कहते हैं इसको कॉमा अगर ये बेटा नौ से लेके बारह के बीच में आ रहा है तो मॉडरेट हेड इंजरी या मॉडरेट हेड इंजरी होती है याद रखना मैं पहले बोल चुका हूं सारी चीजें आपको तो मॉडरेट हेड इंजरी कब होगी जब नौ से बारह होगा आठ से कम होगा तो क्या होगा कोमा और बच्चा तेरह से पंद्रह होगा तो माइल्ड हेड इंजरी होती है ये सारी चीजें याद रखना ये तो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है नौ से बारह वाला तो ये नाम ब्लैक पैंथर है ये बवासीर था इलाज कर दिया अशोक गुर्जर ठीक है बेटा चलो पंकज राठौर जी ने कहा बेटा गॉड ब्लेस यू दुनिया रोने से कमी नहीं होगी बेटा दुनिया में कमी बढ़ती रहती है एज क्राइटेरिया बेटा डीएसएसबी के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे टेंशन लो अभी क्लास में डीएसएसबी के बारे में हर जानकारी दी जाएगी जो अभी तक अवेलेबल है जो आज के टाइम तक अवेलेबल है वो सब जानकारी मिलेगी ठीक है बेटा चलो फटाफट मुकेश चीपा गॉड ब्लेस यू बेटा एम्स भोपाल से ब्लीडिंग फ्रॉम नोज इज नॉन एज ये तो तुम्हें पता ही होगा क्या कहते हैं एपिस्टेक्सिस पर बात यहाँ नहीं रुकेगी अब एपिस्टेक्सिस यहाँ रुकेगा तो काम कैसे चलेगा अब आपने कहा सर बताइए हमें क्या करना चाहिए एपिस्टेक्सिस हो गई याद रखना पेशेंट को आपको जो बैठाना है वो अपराइट बैठाना है पहला क्वेश्चन अगर किसी को एपिटेक्सिस है तो आप इसे अपराइट बैठाइएगा ठीक है बट याद रखिएगा जो हेड है जो इसका हेड है टिल्ट फॉरवर्ड वो हेड जो है वो टिल्टेड होगा आगे की तरफ थोड़ा झुका हुआ रहता है टिल्टेड फॉरवर्ड याद रखिएगा टिल्टेड फॉरवर्ड होता है बैकवर्ड नहीं होता नहीं तो एस्पिरेट कर लेगा तो टिल्टेड फॉरवर्ड होगा कब जब बच्चे को एपिस्ट हो रहा होगा ठीक है अब क्या है डिजिटल प्रेशर लगाया जाएगा अब आपने का डिजिटल यानी उंगलियों का यूज किया जाएगा बटन का यूज नहीं भाई डिजिटल मतलब उंगलियां तो डिजिटल प्रेशर अप्लाई किया जाएगा आपने का किस किस से यूज करना है थंब और इंडेक्स फिंगर से तो इंडेक्स फिंगर का यूज करिए और थंब का यूज करिए जिससे कि आप ब्लीडिंग को बंद कर सको अरे हाई ना और उसे बोलिए कि भाई आप है ना मुंह से सांस लीजिए नाक से मत खींचिए क्योंकि नाक तो आपने बंद कर रखी है समझ में आ रहा है तो आप बच्चे को बोलिए कि दैट बाय माउथ आप उसे बोलिए कि नाक से नहीं खींचनी है तो ब्रीद बाय माउथ लेनी है और क्योंकि नाक तो हमने उसकी बंद कर रखी है भाया तो और कितनी नाक है एक तो हमने बंद कर दी और आपने जो प्रेशर लगाया है वो कम से कम जो डिजिटल प्रेशर लगा रहे हो वो टेन मिनट्स के लिए होने चाहिए कम से कम दस मिनट के लिए यूज करना है जिससे कि ब्लीडिंग बंद हो जाए फिर भी बंद ना हो तो आपको नेजल पैकिंग कर देनी है पर वो तब करनी है जब ये प्रोसेस से बंद ना हो तो नेजल पैकिंग नेत नहीं है नेजल पैकिंग अंत होता है इलाज का आप शुरू में ही नेजल पैकिंग नहीं करेंगे पहले जो मैंने बता रहा हूं आपको वैसे करिएगा आप आपने कहा सर बताइए कैसे मैंने कहा थोड़ा सा बैठाइए सेमी अपराइट में आगे झुकाइए और झुकाने के बाद आपने कहा हेड टिल्टेड फॉरवर्ड हर सर जो है वो आगे की तरफ रहेगा ऐसे करके और नोज को और इंडेक्स को इंडे, नोज को इंडेक्स और थंब से पकड़िए दस मिनट के लिए पकड़ के रखिए और बोलिए कि सांस कहां से लेनी है मुंह से लेनी है नाक तो बंद कर रखी ना प्रभु क्या इतनी सी बात समझ आ रही बेटा बिल्कुल चले चलो अगला क्वेश्चन नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेबल इन मिली डी एस 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 भी का क्वेश्चन है इतना इजी नहीं सब में इजी आते हैं बच्चे तुम्हें लगता है हार्ड आते हैं नर्स विजय गॉड ब्लेस यू बच्चे आपको देख के मोटिवेशन मिलता है गॉड ब्लेस यू बच्चे पढ़ते रहिए बेटा फटाफट कोशन का आंसर ॾिजो बेटा फटाफट राम राम जतिन आंसर बेटा थ्री पॉइंट फाइव टू फाइव थ्री पॉइंट फाइव टू फाइव एम जी पर लीटर है बच्चे किसका सीरम पोटेशियम सीधा आंसर है आपको याद रखना डायरेक्ट ठीक है बच्चे चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन द साइज ऑफ आई वी कैनुला फॉर नियोनेट नियोनेट के लिए कौन से नंबर का आईवी कैनुला यूज किया जाएगा फटाफट बेटा फटाफट क्वेश्चन आना चाहिए ईच एंड एवरी स्टूडेंट गिव द राइट आंसर और अभी तक जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं करा फटाफट लाइक करें क्योंकि बेटा याद रखना एग्जाम तब काम आएगा जब टीचर काम आएगा समझ आ रहा है इसलिए धर्म निभाएं राज धर्म क्लास को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें ठीक है बेटा वेरी गुड आंसर है नंबर डी ट्वेंटी फोर आपको पता है गौज के बारे में जब आप यूज करते हो बेटा कैनुला बहुत सारे हैं आपको फंडामेंटल में से पढ़ाए होंगे मैं बच्चों वाले बता देता हूँ सारे कैनुला वैसे तो आपको पता है ऑरेंज हम जो लेते हैं ऑरेंज कित कौन से कलर का हो ऑरेंज जो है बेटा वो कौन से नंबर का होता है चौदह नंबर गौज का होता है ठीक है बच्चे ये जो ग्रे कलर होता है वो कितने का होता है सोलह होता है जो ग्रीन होता है वो अट्ठारह होता है ठीक है इतना समझ में आ रहा है जो ऑरेंज है वो चौदह है ग्रे कितना है सोलह है और ग्रीन कितना अठारह बच्चे अगर बात करें कि पिंक कितना होता है तो पिंक कितना हो गया बेटा 20. पिंक कितना हो गया 20. और ब्लू कितना हो गया ब्लू हो गया बच्चे बाईस ब्लू हो गया बाईस येलो कौन सा हो गया येलो हो गया चौबीस और लास्ट में पर्पल कहें या वायलेट कहें ये जो पर्पल है ये होता है छब्बीस बेटा याद रखिएगा इसमें कौन सा आंसर दे रखा है आंसर है डी क्योंकि सबसे छोटा इसमें चौबीस दे रखा है छब्बीस भी काम में लेते हैं के लिए पर चौबीस सबसे छोटा दे रखा है तो बेटा आपको चौबीस लेना है इसका कलर क्या होता है येलो विकास रनवा बेटा ऐसा कर आज तो क्वेश्चन तो जैसे ही मिलेंगे मेरे लेवल के क्वेश्चन में आज इसलिए नहीं लाया क्योंकि मैं ना मेरे लेवल पढ़ाने नहीं आया मैं एग्जाम का लेवल पढ़ाने आया हूं और तुझे एग्जाम हल्के लग रहा हो तो बेटा तू घर पढ़ा आराम से तू छोड़ दे क्या को तैयारी कर रहा सीएचओ वीएचओ की ये तेरे लिए नहीं तू तो नोट सेट फोड़ना ठीक है तो अभी इसको ऐसे ही रहने दे इजी वाले क्वेश्चन ठीक है हार्ड वाले तो बेटा बाद में पढ़ लियो मेरे पास सारे लेवल हैं अभी पर मैं सी एच ओ डीएसएसबी और एनएचएम के लेवल का करवा रहा हूं ठीक है हेडिंग यदि देखी ना सीएचओ डीएसएसबी एनएचएम कहीं लिखा है नोट सेट नहीं है ना इसलिए नहीं है वो चलो अगला क्वेश्चन दे नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फटाफट रचना गॉड यू बेटा रचना एब नॉर्मल प्रोलीफ्रेशन ऑफ यूटेराइन एंडोमेटिश आउटसाइड दूटरस इज नॉन एज द आंसर है एंडोमेट्रीसिस क्या कहते हैं इसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं अब बात करते हैं बेटा एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है आप में लिखा है ना एब नॉर्मल प्रोलीफ्रेशन हुआ है कौन से टिश्यू का यूटेराइन टिश्यू का कौन से वाले का एंडोमेट टिश्यू का कहाँ हुआ है यूट्रस के आउटसाइड हुआ यूट्रस के आध बाहर हुआ है आपने कहाँ हुआ है मैंने कहा देखो यूट्रस के अंदर जो ग्रोथ होती है वो चीज़ अलग है ये अंदर ग्रोथ नहीं हुई है ये बेटा बाहर की तरफ ग्रोथ हुई है ये देखिए इस प्रकार की जो ग्रोथ हो रही है ये सारे केस क्या कहलाते हैं एंडोमेट्रियोसिस कहलाते हैं कि यूट्रस के, के टिश्यू यूट्रस के बाहर ग्रोथ कर जाए एंडोमेट्रियम के टिश्यू एंडोमेट्रियम से बाहर ग्रोथ कर जाए तो इस प्रकार के डिसऑर्डर को एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं क्या इतनी सी बात समझ में आई ऐसा होने से क्या होगा ऐसा होने से बच्चे याद रखना सीवियर पेल्विक पेन होता है सीवियर पेन इन पेल्विस सीवियर पेन इन पेल्विस पेल्विस के एरिया में सीवियर पेन होगा और ऐसी महिला का प्रेग्नेंट होना मुश्किल हो जाता है तो बेटा याद रखिएगा इसका प्रेग्नेंट होना थोड़ा हार्डर होता है कंपेयर टू अदर विमेन जिनको एंडोमेट्रियास होता है क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई बच्चे तो बेटा याद रखना कि एंडोमेट्रेसिस में जो एंडोमेटम के टिश्यू हैं वो यूट्रस के आउटसाइड ग्रोथ करते हैं और जब वो ग्रोथ करते हैं तो इससे पहले से एरिया में सीवियर पेन होता है तो इस महिला को प्रेग्नेंट करने में समय लग सकता है अब ऐसा नहीं है कि हम तो प्रेगनेंट करके मानेंगे लगे रहो पर ऐसा नहीं है कि कंपेयर टू नॉर्मल महिला के इसको समय ज़्यादा लगता है बाकी का प्रयास पर डिपेंड करता है प्रेगनेंसी तो ठीक है बच्चे अब आपने कहा सब ठीक है सिस्टिक सिस्टिक फाइब्रोसिस का यूटेराइन एबनॉर्मेलिटी से कोई लेना देना नहीं है ये बेचारा तो सर्विक्स तक ही सीमित क्या है सीमित है सर्विक्स का जो म्यूकस है वो थिक हो जाता है हाँ तो ये बात जरूर है कि इसमें भी प्रेगनेंसी के चांस कम हो जाते हैं पर इसमें यूट्रस के टिश्यू की ग्रोथ आउटसाइड में नहीं होती जो प्रेगनेंसी है वो थोड़ा कम चांस हो जाते हैं यानी कि प्रेगनेंसी के चांस कम हो जाते हैं सर्वाइकल म्यूकस प्लग बनने की वजह से तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में टिश्यू की एबनॉर्मेलिटी नहीं होती इट इज द डिसऑर्डर ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड ये कौन सी ग्लैंड का डिसऑर्डर है एक्सोक्राइन ग्लैंड का डिसऑर्डर है और इसके क्या होते हैं इसके जो सीक्रेशन होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के वो थिक हो जाते हैं और थिक होने की वजह से यूट्रस तक बात नहीं पहुंचती सर्विक्स का ही म्यूकस जो है वो गाढ़ा हो जाता है क्या इतनी सी बात समझ आ रही बच्चे बिल्कुल स्वप्निल गॉड ब्लेस यू बेटा चलें आपने कहा ठीक है सर ये भी याद और बताओ सर सर मेट्रोरेजिया क्या होता है, होता है। और क्या होता है इंटरमेस्ट्रुएसन ब्लीडिंग यानी ब्लीडिंग के यानी, की जो ब्लीडिंग होती है वो तो नहीं है बीच बीच में ब्लीडिंग होती है इरेगुलर होती है और इंटर मेस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है इंटरमेस्ट्रुअल uh, ब्लीडिंग होती है और विद नॉर्मल ब्लड लॉस ब्लड लॉस ज्यादा नहीं होता पर ब्लीडिंग बीच बीच में होती है समझ में आए तो इनरेगुलर इंटरमेस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो होती है उसे मेट्रोरेजिया कहते हैं मेनोरेजिया क्या होता है एक्सेसिव एंड प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग ड्यूरिंग द रेगुलर मेंसेस यानी में ब्लीडिंग तभी हो रही है जब मेंसेस में होनी चाहिए पर उस ब्लीडिंग का जो अमाउंट है वो ज्यादा होता है तो इसमें ब्लीडिंग कैसे होती है एक्सेसिव होती है इसके अंदर ब्लीडिंग एक्सेसिव होती है एंड प्रोलोंग होती है एक्सेसिव होती है और प्रोलोंग ब्लीडिंग होती है और पर होती वो रेगुलर मेंसस साइकिल के अंदर ही है इन रेगुलर मेंसस तो मेंसस जो रेगुलर है उसी दौरान ब्लीडिंग हो रही है पर ब्लीडिंग हो ज्यादा रही है आपने कितने से ज्यादा हो जाती है मोर देन 80 एम से ज्यादा होती है और सात दिन से ज्यादा का साइकिल सॉरी क्या चलती है ब्लीडिंग लंबे समय तक चलती है ब्लीडिंग और ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो ऐसे कहते हैं एक्सेसिव और प्रोलॉन्ग 80 एमएल से ज्यादा और सात दिन से ज्यादा चलती है बेटा ब्लीडिंग बिल्कुल इन या इन ट्रिक को याद रखने की कोई इनको याद रखने की कोई ट्रिक इनके याद रखने की ट्रिक है कि जो जिंदगी में जो महिला हो उसके नाम से कोई ट्रिक बना लो तो काम चल जाए मेट्रो रेजिया मेट्रो रेजिया जो है जैसे मेट्रो है रेगुलरटी आती है देख लेना बीच बीच में क्या आते हैं बहुत सारे मेट्रो के स्टेशन आते हैं तो हर जगह मेट्रो रुकती है तो रुक रुक के जाती है ब्लीडिंग लगातार नहीं होती रुक रुक कर होती है समझ में आए और मैनो रेजिया यानी रेल की तरह चलती है यानी कि नॉन स्टॉप बिल्डिंग चलती है लंबे समय तक इसे रेल की तरह कहते हैं मेनोरेजिया ये ले हो गया मेट्रो के स्टेशन जल्दी आते हैं ना रुक रुक कर आते हैं तो वो हो गया मेट्रो रेजिया ये मैंने अभी बनाई है मैं तो हूँ ठीक है मेनोरेजिया रेजिया यानी कि रेल की तरह फटाक से निकल जाए और लंबे समय तक चले और स्टॉप बहुत देर बाद आए इसे कहते हैं मेनोरेजिया रेजिया देख रहे हो तुम ये मैंने ऐसे ही बोली है ऐसे सीरियस मत लेना इन चीजों को ये सही था गुरु अरे मतलब क्या कहोगे आप इसे प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या आवश्यकता है रटने से काम नहीं चलता <laughs> ये बढ़िया था गुरु देख रहे हो विनोद भाई की ट्रिक <laughs> चलो अगला क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन आ स्क्रीन हाथों तो हाथ तैयार बिल्कुल हाथों तो हाथ तैयार मास्टर है भाई भाई का जलवा है चलो तो बेटा बताओ फटाफट फड़। जल्दी क्लास लंबी चलने वाली है नेट को रिचार्ज कर लेना और नहीं है नेट में रिचार्ज तो बाबू को कह देना रिचार्ज करा देगा एपिकल पल्स। एपिकल पल्स पल्स बाय प्लेसिंग द डायफ्राम ऑफ ऑफ द द स्टेथोस्कोप एट एरिया कहां पर फील करना है एपिकल पल्स को जल्दी बता बेटा फटाफट फड़। ये देखो क्या धमाके से आंसर आ रहे हैं वेरी गुड एक साथ आंसर आ रहे हैं सारे बच्चे एकदम सही आंसर दे रहे हैं क्या कहते हैं बच्चे इसको मिट्रल वॉल्व मिट्रल एरिया पर आप जब रखोगे इसको तब आपको एपिकल पल्स सुनाई देगी तो डायफ्राम ऑफ रखना पड़ेगा मिट्रल एरिया पर अब आपने कहा सर बता देते कौन सा एरिया किधर की तरफ होता तो बेटा आपको याद रखिएगा सबसे पहले कौन सा दे रखा है एओटिक एरिया अब एरिया दे रखा है तो बेटा एवटिक एरिया एवटिक वाल्व का एरिया बेटा ये रहा तो आपको इधर फील होता है एटक एरिया तो जब तो आपको पता है यहां तो आज तक तो कोई एपिकल पल्स फील ही नहीं की गई तो मतलब ये वाला आंसर तो बनेगा ही नहीं ना तो एटिक एरिया का आंसर नहीं जाएगा क्योंकि वो तो आप किधर की तरफ देख रहे हो राइट साइड की तरफ देख रहे हो अब तो आपने कहा जस्ट इसके सामने कौन सा होता है पल्मोनरी एरिया इसके फिर नीचे कौन सा होता है पॉइंट होता है फिर कौन सा होता है ट्राइकस्पिड और यहां सुनी जाती है बेटा एपिकल पल जिसे कहते हैं मिट्रल एरिया क्या कहते हैं मिट्रल एरिया तो दैट विज द आंसर टू लिसन द एपिकल पल्स विद द हेल्प ऑफ स्टेटोस्कोप एंड द दा डायफ्राम बिल्कुल बेटा लिखा है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस तो घबराने वाली कोई बात नहीं है जो सिंगल है वो लाइब्रेरी जाके बैठ जाओ जिनका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है लाइब्रेरी में फ्री वाईफाई है मजे लो सर मुझे जैकेट बहुत पसंद आई मेरे सिलेक्शन के बाद मुझे गिफ्ट कर देना तू अभी ले जा महेश तू क्या बात कर रहा दिल फटने वाली भाई के पास जो है सब तुम्हारा ही है बे अर्चंस के बाबू नहीं है वो क्या करे बेटा वो मैं कह रहा हूँ लाइब्रेरी जाके बैठ जाए ठीक है समझ आ गया ठीक है चलो चले आ गए तो ज इज प्रिस्क्राइब फॉर पेशेंट बेथ हिपेटिक एनसीपेलोपैथी हिपेटिक एनसीपेलोपैथी के लिए आप जो लेक्टोलोज प्रिस्क्राइब कर रहा है डॉक्टर ने पेशेंट को बताइए क्यों प्रिस्क्राइब किया है फटाफट फटा आंसर दीजिए जी जीत प्रजापत गौड़ बेटा किंग मनीष कोटबल आज तो स्मार्ट लग रहे हो आज तो से क्या मतलब है बे ऐसे तू इंसल्ट कर रहा है तारीफ कर रहा है आज तो नहीं बोल मेरे शाम के आज तक इसको हटा दे ऐसे बोल ठीक लग रहे हो आज तो क्या होता है मैं तो रोज ही ठीक ही लगता हूं ऐसे कहा कर रहे तुम लोग चलो फटाफट बताओ जल्दी आंसर आन दो दो आंसर भी वेरी गुड क्या आपने कहा आप ये जो दे रहे हो लेक्टोलोज देने से हिपेट कैंसर ठीक हो जाती है क्या इससे ये ट्रीट हो जाती है ना इससे ये ठीक नहीं होती है तो फिर इससे क्या होता है इससे इंप्रूव होता है मेंटल स्टेटस इससे मेंटल स्टेटस इंप्रूव होता है तो आपने कहा मेंटल स्टेटस पे क्या फर्क पड़ गया भाई क्योंकि याद रखना अमोनिया बढ़ जाता है और अमोनिया जब बढ़ता है लिवर प्रॉब्लम के अंदर अमोनिया लिवर प्रॉब्लम के अंदर जब इंक्रीज होगा अमोनिया जब इंक्रीज होगा बच्चे तो फिर बेटा मेंटल चेंजेस आते हैं तो अमोनिया को कम करता है और अमोनिया को कम करेगा आपने कहा कैसे बच्चे तो बच्चे इलेक्ट्रोलोज जो है वो कॉलोनिक एसिडिफायर है कॉलोनिक होता है जो अमाउंट ऑफ अमोनिया को कम कर देता है तो बच्चे ये जो है वो को कम करेगा और अमोनिया को कम कर देगा तो फिर मेंटल चेंजेस नहीं आएंगे तो डिक्रीज सीरम अमोनिया लेवल इसका ये फायदा है इसका ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि आप हिपेटेलोपैथी को लेक्टोलोज देने से ठीक नहीं कर सकते बट इससे कॉम्प्लिकेशन को ठीक कर सकते हो यानी कि ब्रेन में कोई चेंजेस नहीं आए मेंटल चेंजेस ना आए इसके लिए मैं क्या दे रहा हूं लेक्टोलोज क्योंकि वो अमोनिया को कम कर देता है क्योंकि वो एसिडिफायर होता है और एसिडिफायर क्या करता है कि सीरम में से अमोनिया को कम करता है तो पूछा जाए आपने इलेक्ट्रोलोज क्यों दिया तो बेटा आंसर है टू डिक्रीज सीरम अमोनिया लेवल जल्दी बता बेटा हो गया सारा चले हेमराज सर आज नीलगिरी में सिलोंग में ज्वाइन कर लिया आपका बहुत 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 धन्यवाद गॉड ब्लेस यू बच्चे हेमराज भगवान करे ऐसे आगे बढ़ते रहो ठीक है बच्चे चलो अगला क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी यूज विच द आंसर फटाफट दो बच्चे भाई की सारी कॉपी होने लगी मार्केट में सब होगा बेटा कॉपी टीचर्स के लिए मैथ्रीजनिंग करवा दीजिए सब हो जाएगा बेटा टेंशन मत ले अरविंद शर्मा सर आपकी मेहनत से मेरी लाइफ बन गई मैंने नीलगिरी ज्वाइन कौस्ट गॉड ब्लेस यू बच्चे अरविंद भगवान करे ऐसे ही आगे बढ़ते और घर वालों का ख्याल रखना ठीक है टेक केयर पेरेंट्स द बेस्ट थिंग इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज एंटी डॉट ऑफ ऑर्गेनो फॉस्फोरस पॉइजनिंग ओ पी पॉइजनिंग के लिए कौन सा यूज करते हैं आंसर है एट्रोपिन कौन सा यूज करते हैं एट्रोपिन इसके बारे में याद रखिएगा ऑर्गेनोफॉस्फोरस के अंदर कॉलीनर्जिक साइन पाए जाते हैं क्या पाए जाते हैं कॉलीनर्जिक साइन पाए जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलीनर्जिक साइन किस में पाए जाते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में कोई पूछे कैसे पाए जाते हैं तो आंसर लिखना ड्यू टू ओवर स्ट्यूमुलेशन ड्यू टू ओवर स्ट्यूमुलेशन ऑफ ओवर स्ट्यूमुलेशन ऑफ कॉपी में लिख लीजिएगा न्यूरो मस्कुलर जंक्शन न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के मस्कुलर जंक्शन के ओवर स्ट्यूमुलेशन की वजह से कॉलिनर्जिक साइन पाए जाते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस के अंदर ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड होता है हिंदी में बोले तो कीटनाशक दवा और ये जो कीटनाशक दवा है ये रूरल एरिया में ज़्यादा पाई जाती है कंपेयर टू अर्बन तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस के पॉइजनिंग के केसेस जो आते हैं वो ज़्यादातर रूरल एरिया में आते हैं हम इसमें क्या देते हैं हम इसमें एट्रोपिन देते हैं क्या देते हैं बेटा एट्रोपिन समझ में आ रहा है बात करते हैं कि कितना देते हैं आप एट्रोपिन कितना देंगे बच्चे तो अब यहाँ से थोड़ा सा नया सीखना है आपको अगर वो पूछे कि एट्रोपिन का कि डोज क्या है तो मैंने कहा बोलस देते हैं एट्रोपिन का अब बोलस मतलब आई से आपको इंजेक्ट करना पड़ेगा कितना इंजेक्ट करना पड़ेगा वन से थ्री एक 1.8 से थ्री को आपको इंजेक्ट करना पड़ेगा एट्रोपिन बोलस उसके बाद चेक पल्स ब्लड प्रेशर एंड चेस्ट क्रैकल आफ्टर फाइव मिनट उसके बाद आपको पल्स देखनी है ये लिख लीजिए कॉपी में काम आएगा बुरे वक्त में तो बेटा बोलस मैंने कितने का दिया एट्रोपिन का 1.8 से दिया और मैंने तीन एम का मैंने टोटल बोलस दे दिया खट्टा मैंने पर के बिना दे के टोटल में लमसम में दिया है वो ये बोलस होता है उसके बाद हर पाँच मिनट के अंदर आपको पल्स चेक करनी है बी चेक करना है और चेस्ट की साउंड चेक करनी है आपका उद्देश्य क्या है वॉट यू वॉन्ट मैं चाहता हूँ हार्ट रेट बढ़ के ऊपर अस्सी से ऊपर चली जाए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अस्सी से ऊपर चला जाए समझ में आए और चेस्ट क्लियर हो जाए यानी कि चेस्ट में किसी प्रकार के क्रिकल साउंड नहीं आने चाहिए वॉट द पर्पज टू गिविंग दिविंग द एइट्रोपिन मैं चाहता हूं हार्ट रेट कितनी हो जाए 80 क्रॉस हो जाए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी 80 एट्टी एम एम एच क्रॉस हो जाए अगर आप याद रखना कि अगर पांच मिनट के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि हार्ट रेट है वो अस्सी ऊपर नहीं गई और फिर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अस्सी ऊपर नहीं गया तो फिर आपको एट्रोपेन के डोज को डबल करना पड़ेगा और डबल करने के बाद वापस से पांच मिनट के बाद वापस से आपको हार्ट रेट देखनी पड़ेगी और क्या देखना पड़ेगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखना पड़ेगा ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है प्यूपिल भी सर एबनॉर्मल एबनॉर्मल हो जाती है एबनॉर्मल पीपिल को छोड़ो वो लेट तक होंगी नॉर्मल तो प्यूपिल इज नॉट ए प्यूपिल को देखना नॉट ए इंडिकेशन ऑफ सक्सेस ऑफ एट्रोपिन एट्रोपिन ने काम किया है कि नहीं किया इसको आप किसी की प्यूपिल को देखकर आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते अगर आपको तुरंत अंदाजा लगाना है तो हार्ट रेट और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को देखा जाएगा हार्ट रेट और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर द अर्ली इंडिकेटर ऑफ ऑफ सक्सेस इन द केस ऑफ द दस पॉइजनिंग पॉइजनिंग के अंदर अगर आपने जो एट्रोपिन e दी है उसने ढंग से काम किया है कि नहीं किया दो चीज चेक कर लेना एक तो हार्ट रेट और एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आप प्यूपिल के भरोसे मत बैठे रहना प्यूपिल तो बहुत देर तक डायलेट होगी क्या इतनी सी चीजें आपने कॉपी में लिख ली लिख लिया होगा इतना तो पढ़े लिखे हो इतना तो आप ही लेते हो ठीक बेटा चलो अगला क्वेश्चन डंपिंग सिंड्रोम डंपिंग सिंड्रोम डंपिंग सिंड्रोम इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ डंपिंग सिंड्रोम इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ बताओ फटाफट फ़ड़। डंपिंग सिंड्रोम किसका कॉम्प्लिकेशन है डंपिंग सिंड्रोम इज द कॉम्प्लिकेशन फटाफट बट आंसर दो वेरी गुड डंपिंग सिंड्रोम के अंदर क्या होता है इसके अंदर रैपिड गैस्ट्रिक एम्पिटिंग होती है रैपिड गैस्ट्रिक एम्पटिंग रैपिड गैस्ट्रिक होती ठीक है बेटा और ये ज्यादा स्पेशली कौन से फूड में होती है स्पेशली कौन से फूड में होती है बेटा याद ना स्पेशली इट इज द व्हेन द फूड इज हाई शुगर द फूड विच फूड विद हाई शुगर ये जो हाई सुगर का फूड है उसमें ज्यादा तेजी से होती है ये आपने कहा मतलब मतलब विदाउट प्रॉपर डाइजेशन विदाउट प्रॉपर डाइजेशन यानी कि उतना डाइजेशन भी नहीं हुआ जितना होना चाहिए था स्टमक में और उससे पहले ये खाली हो जाएगा कौन सा फूड खासकर वो जिसमें शुगर ज्यादा है अगर आपसे बात करें कि डंपिंग सिंड्रोम कैसे हैं तो अल्ली डंपिंग सिंड्रोम होता है और एक लेट अर्ली है और एक लेट होता है याद रखिएगा दो डंपिंग सिंड्रोम के साथ एक तो अर्ली डंपिंग सिंड्रोम और एक लेट डंपिंग सिंड्रोम अर्ली डंपिंग सिंड्रोम में गए। विदिन विदिन बेटा याद रखना दस से लेकर तीस मिनट में खाली हो जाता है कौन स्टमक और अगर लेट की बात करें तो बेटा लेट में कितना होता है एक से तीन घंटे के अंदर एमपीटी हो जाता है तो लेट है डंपिंग सिंड्रोम और अर्ली डंपिंग सिंड्रोम दो टाइप के डंपिंग सिंड्रोम है अर्ली के अंदर दस से तीस मिनट में, में खाली हो जाएगा और लेट के अंदर एक से तीस मिनट एक से तीन घंटे के अंदर खाली होगा और ये ज्यादातर किस में देखने को मिलता है पार्शियल गैस्ट्रक्टॉमी के अंदर पार्शियल पार्शियल के अंदर बच्चे जब आपको पूर्ण रूप से स्टमक स्टमक को को अलग न करके आप काट कर के को कर के साइज छोटा देते हो जिस वजह से किसी भी रीजन की वजह से कोई कैंसर हो सकता है या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है जिस वजह से आपने क्या किया आपने यूट्रस आपने सॉरी स्टमक के कुछ पार्ट को काट के बाहर बढ़ दिया पूरा काट के बाहर नहीं निकाला आपने स्टमक के कुछ पर्टिकुलर पार्ट को काट के बाहर निकाला है इसे कहते हैं

आ रहा है बेटा इतना समझ में बेटा एनएचएम की योजनाओं के बारे में बात करूंगा तो रुक तो जा भी सब बताऊंगा बेटा ठीक है ठीक है बेटा याद रहेगा तो आंसर क्या है इसका आंसर जाएगा सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी जिसके अंदर पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी करते हैं और हम और हम स्टमक के साइज को रिमूव कर कम कर देते हैं किसी सर्जरी की वजह से क्योंकि हमें जरूरत पड़ रही है किसी भी डिजीज को क्योर करने के लिए बेटा हो जाएगा इस बार हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं बेटा विजय पढ़ता रहे व्हाइट कलर की होती है आईसीडी थ्री एट्टी है अगला क्वेश्चन फटा बताओ बटो फटाफट क्वेश्चन बताओ जल्दी जल्दी बेटा फटाफट क्वेश्चन का आंसर दीजिए कोई बच्चा नहीं रहेगा बिना आंसर करे मैं आज बेटा ये बताऊंगा डी एस में क्या पढ़ना है एज जो एक्स्ट्रा नर्सिंग है उसमें क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने में लिखाऊंगा आज सिलेबस के अंदर टेंशन मत लो तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है तो क्लास के बाद में ये बताऊंगा कि डी में कौन कौन से टॉपिक है जो नॉन नर्सिंग के हैं नॉन नर्सिंग की तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में बात करेंगे ठीक है हम लोग टेंसर लो एज के बारे में बात करेंगे कौन सी एज होती है कैसे कैसे रिजर्वेशन होगा सबके बारे में बात करेंगे ठीक है तो बस जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए क्लास को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कॉमन रिस्क और सीवियर डिप्रेशन जिसको बहुत ज्यादा डिप्रेशन है वो से लगेगा कि मैं जी करूं भी क्या कोई मेरा नहीं मैं किसी का नहीं अब तो मैं करना नहीं दुनिया में कुछ भी तो ये बेटा सीवियर सुसाइड वाले जो केसेस हैं सीवियर डिप्रेशन वाले जो केस हैं सुसाइड का मोस्ट कॉमन कॉज डिप्रेशन है खुशी में कौन जान देता है सब लोग गम में ही जान देते हैं दुनिया में गम की कमी नहीं चाहे चिपकाने वाला हो और चाहे जिंदगी को खोने वाला हो गम ही गम है चारों तरफ तो बेटा याद रखना सुसाइड के थॉट आना ये डिप्रेशन के शिकार के वाले व्यक्ति होते हैं और याद रखना इंडिया में या नहीं पूरे वर्ल्ड में हर 40 सेकंड के अंदर हर 40 सेकंड के अंदर एक सुसाइड हो रही है बेटा तू जब तक मैं ये लिख रहा हूं ना तब तक तो एक ने सुसाइड कर ली होगी हर 40 सेकंड में याद रखना इन वर्ल्ड दुनिया के अंदर हर 40 सेकंड के अंदर एक व्यक्ति मर रहा है आपने कहा सर हम कैसे कैसे प्रिडिक्ट करें कि ये मरने वाला है या ये सुसाइड करेगा जिसने पहले अटैम्प किया हो ना वो दोबारा फिर करेगा जिसने पास्ट अटैम्प कर रखा हो सुसाइड का ये मान लीजिए वो हाईएस्ट रिस्क पे है सुसाइड दोबारा करने के तो सुसाइड करने के सबसे कॉमन तरीके वही हैं जो सबसे सस्ते वाले है। एक हैंगिंग लटक जाना और उसके बाद है सेकेंड नंबर पे पॉइजन कोई जहर खा लेना या किसी जहरीली से मिल लेना सर कैसे मैनेज करें सुसाइड को मैंने कहा की पॉन आईज आंखें रखिए उस पर कि कहाँ जा रहा है बाथरूम में कितनी देर से नहीं ये कहीं ऐसा नी के लेट गया हो तो देख लेना भैया व्यवस्था अलग है कीप ऑन उसके बाद आपने कहा अगर जाहरी जरूरत पड़ी तो एक जोर का झटका धीरे से दे दो तो मैंने कहा शायद बच जाए और कोई ड्रग की बात करना हो तो लिथियम दे दीजिए शायद सुसाइड के चांसेस कम हो जाएं अरे आए ना और बेटा क्लोज ऑफ दे दीजिए शायद उससे बात बन जाए तो क्लोज ऑफ और लिथियम इसके लिए हम काम में ले सकते हैं सुसाइड के बारे में बात चल रही है जितनी सारा ज्ञान था मैंने सुसाइड के बारे में दे दिया याद रखिएगा बहुत ज्यादा मर रहे हैं लोग सर मैं भी एक वक्त में यही सोचती थी सुसाइड अरे काय को जान देना सिखा जिंदगी इतनी बढ़िया है और किसी को लाइफ में मुझे नहीं लगता किसी के पास ऐसा मोटिव है कि दुनिया से चला जाए अरे दुनिया से चले भी जाओगे तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा लोग दो दिन टमाटर नहीं खाएंगे तीस दिन कहेंगे अरे सब्जी में नमक नहीं डाला रहे तूने धनिया कहाँ इसमें धनिया नहीं है सॉस के साथ चटनी नहीं मिल रही है दो दिन बाद लोग यही बात करेंगे तो जाना ना जाना कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़िंदगी में कितने भी गम हो हमेशा खुश रहो लाइफ कितनी बुरी चल रही हो ना होप हमेशा रहो कि जीना एक बार है ढंग से जी लो बुरे से बुरा शक्त है कोई भी चीज अच्छी आई है बुरी आई है जाएगी जरूर जो वक्त जो होता है ना वो झूले की तरह होता है झूला अगर आगे जाएगा ना तो पीछे भी आएगा और अगर पीछे गया है तो सौ परसेंट आगे जाएगा द लाइफ द लाइफ इज लाइक ए स्विंग ये स्विंग की तरह है झूले की तरह है एक बार आगे गया है तो पीछे भी आएगा और अगर पीछे गया है तो सौ परसेंट आगे आएगा घबराने की कोई बात नहीं है जिंदगी में हर चीज को मौका मिलता है और समय पर हर चीज मिल जाती है और नहीं मिलेगी तो उससे बेटर कुछ मिलेगा अंकिता वानखंडे ले लिए बेटा तेरा नाम चलो अगला क्वेश्चन सक्सेस कुछ नहीं होती लाइफ में बस खुश होना चाहिए लोगों को लगता है कि अमीर होना चाहिए लोगों को लगता है कि अमीर होना चाहिए मेरा मानना है कि इंसान में जमीर होना चाहिए जमीर है तो अमीर फिर बहुत छोटी चीज है फिर तो सारे काम कर लोगे आप ठीक है बच्चे चलो चले आगे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा फटाफट पढ़े और आंसर करें नरेश शर्मा गॉड यू बच्चे पॉलिस आई थी नॉट ए प्रॉब्लम टू तो अटेंड दू तो फॉर मेडिकल क्लियरेंस डोंट वरी आप आराम से तैयारी करो हो जाएगा विच आर द फॉलोइंग नीड टू परफॉर्म बिफोर द रेडियल रेडियल आर्ट्रियल कैनुलेशन टू इवेलुएट द रेडियल एंड अल्नर आर्ट्रियल पेटेंसी रेडियर और अल्नर की आर्ट्रियल पेटेंसी को चेक करने के लिए आप जो चेक करते हो उस टेस्ट का नाम क्या है सबको पता है इस टेस्ट का नाम क्या है उसका नाम है बच्चे एलन टेस्ट पर कोई बात नहीं एलन से पहले हम पहले कौ? हम पहले कैरी पॉइंट तक ज़रूर पहुंचेंगे तो मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूं सबसे पहले इसमें एक एनजियोग्राफी एनजियोग्राफी तो आपको पता है कि बेसस और हार्ट के लिए करते हैं तो वो तो यहाँ वैसे काम नहीं आने वाला एक बर्गर टेस्ट है ये अब इंपॉर्टेंट है कैपिलरी फिल टाइम हम डिहाइड्रेशन के लिए करते हैं वो भी यहाँ काम नहीं आ रहा तो हम इन दोनों को छोड़ देते हैं बर्गर टेस्ट के बारे में बात करते हैं बर्गर टेस्ट क्या होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बर्गर टेस्ट यूज होता है आपने कहा कहाँ यूज करते हैं आंसर है को चेक करने के लिए आप किसकी एड्युकेसी को चेक कर रहे करें डॉक्टर साहब तो बेटा एडुकेसी चेक की जाती है एट्रियल सप्लाई की आपने कहा एड्युकेसी ऑफ एट्रियल याद रखिएगा आर्टेरियल सप्लाई आर्टेरियल सप्लाई कर को एड्यूकेसी को चेक करना है और कहाँ पे करना है आंसर है लेक्स में करना है पैरों में लेग के अंदर एयरटल ब्लड सप्लाई की एडिक्वेसी को चेक करना है इसे कहते हैं बर्गर टेस्ट इस बर्गर टेस्ट को दो स्टेज के अंदर करते हैं अपने का दोनों स्टेज बताइए पहली स्टेज में बच्चे किसी पेशेंट को लेटाकर सुपाइन में इसके पैरों को पैंतालीस डिग्री पर उठाते हैं और उसे दो से एक से दो मिनट होल्ड करके रखते हैं पैंतालीस मिनट पर ज्यादा ऊंचा मत उठा देना फीलिंग लेने के लिए कि भाई पूरी है, उठाई देते हैं ऐसा नहीं है नहीं तो फिर वो देगा मुक्का ही मुक्का नाक पे समझ में आ रहा है तब तो।, तो खाली पैंतालीस डिग्री उठाना है और वो भी एक से दो मिनट ही उठाना है कोई बहुत ज़्यादा फीलिंग नहीं लेनी वहाँ पर उसके बाद उसके पैरों पर पे कलर चेक करना है कैसा कलर आ रहा है मेहंदी मत लगा देना आपने कहा तो कैसा आएगा मैं अगर पैलर आ रहा है तो इंडिकेटर स्मिया अगर पैर पैलर हो गए तो क्या हो जाएगा इसका मतलब है उसे स्ेमियाँ है तो आपने कितने कितने डिग्री पे उठाया 45 डिग्री पे उठाया कितना उठाया एक से दो मिनट उठाया और उसके बाद क्या देखने को मिला अगर पैलर देखने को मिला अगर पहला रहे तो इसका मतलब है उसे स्टेमिया है क्या है उसको स्टेमिया क्या कहते हैं इसको इसे कहते हैं फर्स्ट क्या कहते हैं उसको फर्स्ट कहते हैं क्या समझ में आ रहा है बच्चे सुरेंद्र एनएचएम स्टाफ नर्स मुझे ब्लॉक कर दिया कि नहीं बेटा को ब्लॉक करेंगे तुझे तू तो सामने मेरे ठीक है बच्चे उसके बाद फिर हम करेंगे सेकंड स्टेप और सेकंड स्टेप में क्या करेंगे वो देखिए सेकंड स्टेप में हम बोलेंगे बेटा तू बैठ जा और पैरों को ऐसे ऐसे लटका दे पैरों को हम इस बच्चे को सिट करेंगे सिट करने के बाद नाइनटी डिग्री के पैरों को हैंग कर देंगे आज के पैरों को हैंग कर देना नीचे की तरफ नाइन्टी डिग्री पर टंगे रहने देना उसके बाद जिधर पैलर आई थी वहां रेडनेस हो जाएगी मतलब यहां जो पहले पैलर थी अब वो क्या हो गया रेड हो गया कौन से वाले में जहां पहले हमें ऊपर उठाने से क्या देखने को मिली थी अब वो कैसा हो गया रेड हो गया तो पहले तो स्किन क्या बनेगी ब्लू फिर क्या हो जाएगी रेड समझ में आ रहा है आपने कहा बताइए फीलिंग लीजिए मैंने कहा देखो 45 डिग्री पे उठा दीजिए पहले तो मैंने कहा उठा दिया 45 डिग्री पे कितने उठाने है? मैंने कहा आपको उठाना एक से दो मिनट के लिए उठा दिया उसके बाद उसके बाद फिर इसके पैरों को 90 डिग्री ये जो दिख रहा है एक ऐसे और एक ऐसे तो आपने कहा नाइनटी का नाइनटी ऐसे करके यूं तो एंगल बन रहा है डॉक्टर साहब ये कितने का बन रहा है नाइनटी का तो देखोगे कि बाद में ये कैसा हो गया रेड पहले कैसा था पैलर फिर कैसा हो गया रेड इसका मतलब इसको रिएक्टिव हाइपर में पहले पैलर था फिर रेड हो जाएगा इसे कहते हैं बर्गर टेस्ट क्या कहते हैं इसको बर्गर टेस्ट कहते हैं डॉक्टर साहब पैर दोनों उठाने एक भी एक उठाकर भी कर सकते हो दोनों उठाकर भी कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें बस यह देखना है किधर मिया हो रहा है डीएसएसबी के लिए नॉन नर्सिंग में क्या क्या पढ़ना है आज की क्लास के बाद डाउट क्लियर हो जाएगा बस सड़ते क्लास अंत होने का वेट करना पड़ेगा तभी चीजें क्लियर होंगी समझ आया बच्चे इसके बाद अब बात करते हैं बेटा अगला अगला कौन सा है ये एलन टेस्ट होता है कौन सा होता है एलन टेस्ट होता है आपने कहा पहले इसको हम एलन टेस्ट में क्या क्या बोलते हैं बेटा पहले बोलते हैं क्या फिस्ट बना लीजिए एलन टेस्ट में बेटा क्या बोलते हैं पहले से फिस्ट बनाने को बोलते हैं बोलते हैं फिस्ट बनाने को हम कहते हैं पहले फिस्ट बना इसके बाद हम दोनों के एक हम तो यहां से बेटा के अल्नर और रेडियल दोनों को ब्लॉक करते हैं रेडियल इधर और अल्नर इधर तो दोनों को ब्लॉक करते हैं फिस्ट बनाने के बाद फिर एक फिर हमने क्या किया फिर हम फिर हम एक तरफ से छोड़ देते हैं एक तरफ से छोड़ते हैं फिर देखते हैं कि किधर देखना बच्चे जिधर मैंने दोनों को ब्लॉक किया तो पूरा हाथ क्या पैलर हो गया फिर मैंने एक को छोड़ा एक दबा हुआ अभी मैंने सिर्फ किसको छोड़ा है रेडियल को तो रेडियल को छोड़ा है तो बेटा पूरे में क्या हो गया रेड हो गया आपने कहा सर कितना समय लगेगा वापस रेड होने में ये डेटा बहुत कंफ्यूजिंग है पर स्टैंडर्ड बुक्स में ऐसा लिखा है कि तीन से लेके बारह सेकंड लगते हैं इसको वापस से रेड होने में समझ में आ रहा है इसे कहते हैं बेटा एलन टेस्ट क्या कहते हैं इसको एल टेस्ट अब एल टेस्ट आपने कहा किस काम में आ रहा है एल टेस्ट हम यूज करते हैं टू सफिस कोलेट्रल ब्लड फ्लो इन देंड कि कोलेट्रल ब्लड फ्लो जो हो रहा है हर को वो हो रहा है या नहीं हो रहा है तो पहले 30 सेकेंड के लिए मुट्ठी ऐसे कसके बंद करनी है फिर आपको दोनों तरफ की जो आर्टरी में से ब्लॉक करनी है रेडियल भी ब्लॉक करनी है अलर भी ब्लॉक करनी है फिर रेडियल को छोड़ देना है और देखना है कि पूरे वाले हाथ में ब्लड सप्लाई कैसी जा रही है समझ आ रहा है बेटा इसका मतलब बेटा इसका आंसर क्या जाएगा इसका आंसर जाएगा एलन ठीक है चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा फटाफट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपके सामने बेटा एक नहीं पूछेगा वो टेंशन मत ले विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकल ड्रग कोर्स ड्रग दैट कैन डैमेज द एथ क्रेनियल नर्व कौन सी नर्व है जो आठवें नंबर की जो कान को सुनाई देने के लिए बेस्टिबुलर कॉकुलियन नर्व होती है बेस्टिबुलर कॉकुलियन नर्व जो है वो जो नर्व है वो किसकी वजह से ब्लॉक हो जा डैमेज हो जाती है आंसर है बेटा स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है स्ट्रेप्टोमाइसिन अब आपको थोड़ी सी चीजें मैं और एक्स्ट्रा बताता हूँ अब आप एक्स्ट्रा चीजों को सुनिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ये सब स्टार बना लेना एक साथ बता देता हूँ तो बार बार कंफ्यूजन नहीं होगा अगर मैं बात करूं रिफाम की क्या आपको बताया ट्यूबरकल ड्रग है याद रखना जितने भी आपको बताई जाती है सबसे मोस्ट इफेक्टिव एंटी ट्यूबरकल ड्रग कौन सी पूछा है तो बेटा आप आंसर देना रिफाम भिशीन. कोई पूछे मोस्ट बैक्टेरियोसाइडल कौन सी होती है बैक्टेरियोसाइडल सब लिख लीजिए बेटा याद रख कीएगा फिर ये एग्जाम में बार पूछता है तो मोस्ट इफेक्टिव कौन सी है रिफामिसिन मोस्ट बैक्टीरियोसाइडल कौन सी है आंसर रिफामिसिन पूछा जाएगा किस में ऑरेंज कलर का यूरिन आएगा तो बेटा आंसर है रिफामिसिन तो बेटा रिफामिसिन के बारे में याद रखेगा ठीक है अगला चीज अगले रिफामिसिन के बाद बेटा आइसोनियाजड आइसोनियाजिड के बारे में बात करूं तो बेटा याद रखना जितने भी सारी ड्रग हैं सबसे ज्यादा टॉक्सिक ड्रग कौन सी होती है आइसोनियाजिड होती है ये सबसे ज्यादा रैपिड स्पोटम स्पोटम कन्वर्जन करवाती है कौन से वाली दवाई को देने के बाद स्पोटम फटाक से पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है आंसर है बेटा रेफा कौन सा है आइसोनियाजिड तो रैपिड स्पोटम कन्वर्जन करवाने वाली दवाई कौन सी है आंसर है आइसोनिया कोई पूछे कि बेटा याद रखिएगा सबसे पहला रेसिस्टेंस किसके अगेंस्ट डेवलप होता है तो फर्स्ट भी जो डेवलप होता है वो भी आइसोनियाजेड के अगेंस्ट होता है तो फर्स्ट रेसिस्टेंस डेवलप्ड ये भी आपको याद रखना है तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है किसके बारे में आइसोनियाड के बारे में कॉपी में लिख रहे हो ना आप सारे लोग कॉपी में लिख रहे हो ना सारी चीज बेटा मैं बता रहा हूं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो सारी चीज आपको बताई जा रही है क्या हुआ कमेंट में सही तो चल रहा है ठीक है बच्चे आवाज आ जा रहा है ना सबको बिल्कुल अब आपने कहा सर और बताया इसके अलावा इसके बाद के बारे में में बात करते याद रखना नॉट यूज इसको यूज नहीं करना लेस देन ईयर साल से कम एज में इसको यूज नहीं करते हैं इससे ऑप्टिक न्यूराइटिस होती है यह बात ध्यान रखना ऑप्टिक न्यूराइटिस पाई जाती है कौन से इथम्बोटोल से ऑप्टिक न्यूराइटिस में क्या होता है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड हो जाता है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस पाई जाती है ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है ठीक है बच्चे और बेटा लास्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन जिसके बारे में क्वेश्चन था तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में बता दीजिए तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो कैसी है इंजेक्टेबल है जो एकमात्र पांचों में दवाई है यही इंजेक्टेबल है जो एंटी ट्यूबरकल ड्रग आप उसको दे रहे हो इसे प्रेगनेंसी में इंडिकेट करते हैं इसको नहीं देते इंडिकेट इन प्रेगनेंसी इंडिकेट इन प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी में इसको नहीं देते स्टार बना लेना काम आएगा एग्जाम में और इससे बेस्टिबुलर डैमेज हो जाता है यानी कि सुनाई देना बंद हो जाता है तो बेस्टिबुलर डैमेज करती है कौन सी दवाई आंसर है तो बेटा ट्यूबरकल के बारे में जितने मैंने पॉइंट बोले हैं कृपया करके उन सबको कॉपी में लिखते रहिएगा और याद रखिएगा राव साहब पढ़ाई कर ले बेटा क्लास तो प्राइवेट होगी ठीक है बच्चे चले आगे अगला क्वेश्चन उससे पहले बेटा याद रखना कि आपको जो तारीख से सी एग्जाम प्रेप के लिए उसी पैस में अलग से नहीं खरीदना है जो आपने नोट सेट का ले रखा है उसमें आपको पता है बेटा 26 तारीख से सुबह रो, रोज रोज ग्यारह बजे 35 टेस्ट तो ऐसे हैं जो पेड रहेंगे प्लस ग्यारह टेस्ट ऐसे हैं जो फ्री वाले हैं तो ये जो उन्होंने पहले ले रखी है एग्जाम प्रेप उनको टोटल 40 टेस्ट फ्री मिलेंगे सी एच ओ के लिए और याद रखना जिसमें हर पेपर टेस्ट पेपर का पीडीएफ मिलेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और आपको 35 प्लस 11, 40 पेपर मिलेंगे सी एच ओ के लिए तो आप एग्जाम प्रेप की ऐप को डाउनलोड करें और उसके अलावा आप इसको परचेज करें जिन्होंने कर रखी है उनको सारे टेस्ट मिलने वाले हैं एक ही ऐप ऐसी है जिसमें आपको दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती डी का पेपर भी इसी में मिलेगा नॉर्थ सेट भी इसी में मिलेगा एम का भी इसी में दिया था सी एच भी इसी में मिलेगा सब कुछ इसी में मिलना है अलग से परचेज़ करने की आवश्यकता नहीं है ऐसा नहीं है कि दो सौ रुपये का ये टेस्ट है चार सौ रुपये का ये टेस्ट है एक साथ है जो भी है एक बार ऐप लेने के बाद आपके हर एग्जाम की गारंटी एग्जाम प्रेप वालों की है दे उन्हें हर एग्जाम की तैयारी के लिए मौका मिले तो बार बार परचेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती जैसे कि बाकी ऐप में पड़ती है इसमें एक बार आप ले लोगे तो वापस से बार बार परचेज नहीं करना पड़ता समझ आ है बच्चे जिसमें ग्यारह जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है ग्यारह वो पूरे फ्री मिलेंगे रेसनल के साथ आंसर मिलेगा और पैंतीस टेस्ट मिलेंगे सीएचओ की तैयारी के लिए जो पेड यूजर्स है उनके लिए ठीक है बच्चे चलो अगला क्वेश्चन बेटा एग्जाम प्रैप को डाउनलोड करो आईओएस में करो कहीं भी करो और आप वहां पे डाउनलोड करके आप उसको पे कर सकते हो हर एग्जाम की तैयारी के लिए बेटा इसमें सब कुछ है आपको अलग से परचेज कर, नहीं करना पड़ता एक बार ऐप में लेने के बाद ही सारे टेस्ट इसी के अंदर आते हैं आयो इसमें चालू है बेटा कर लो आप एक्यूट पेंकेटाइटिस इज मैनिफेस्टेड बाय एक्यूट पेंकीटाइटिस के लिए आपको कौन सा करना पड़ेगा बच्चे याद रखिएगा आंसर है सीरम एमाइलेज ये ज़्यादा अगर ऑप्शन में सीरम लाइपेज होता तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता पर क्योंकि आंसर ही ऑप्शन में नहीं है पर आपको इन दोनों में से एक चुनना था तो सीरम लाइपेज ज़्यादा बेटर है पर ऑप्शन में नहीं है तो बेटा आंसर क्या जाएगा सीरम एमाइलेज क्या जाएगा सीरम एमाइलेज तो सीरम एमाईलेज आंसर है इसका

एल्केलाइन हॉस्पिटेस को ठीक है बच्चे चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन फटाफट क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चे फटाफट प्रीति वैट्स इवनिंग ड्यूटी से बेटा तू तो साढ़े दस बजे आई है ऐसे कौन सी ड्यूटी करती है बेटा इवनिंग पेशेंट विद द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर ई गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग इंजेक्शन टू इंप्रूव द कॉन्ट्रेक्शन आपको पता है कि अब आई ड्रिप चलाई जाती है और आपने कहा किसके लिए देते हैं ऑक्सीटोसिन देते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में आपने कहा किसके लिए इंप्रूव कॉन्ट्रेक्शन को इंप्रूव करने के लिए क्योंकि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में बेबी की डिलीवरी होनी है और बेबी की डिलीवरी करानी है तो कॉन्ट्रेक्शन बढ़िया होनी चाहिए तो सेकेंड स्टेज में हम क्या देते हैं ऑक्सीटोसिन देते हैं याद रखिएगा आप मिथार्जिन दे दे मिथार्जिन मैजिकल ड्रग है पर अभी आप इसे काम में नहीं लेते याद रखना मिथार्जिन बहुत सी जगह काम में ले सकते हो बहुत सी जगह काम में नहीं ले सकते ऑक्सीटोसिन ऐसा है सब जगह काम में ले सकते हो आप ऐसे मान के चलो कि मिथार्जिन जिनके लिए है उनके लिए भगवान है और जिनके लिए नहीं है उनके लिए रावण है तो राम भी मिथारजिन है और रावण भी मिथार्जिन है क्योंकि अगर हाइपर वाली माता को दे दो तो रावण है और अगर किसी नॉर्मल महिला को दे दो तो राम है यानी दोनों काम करता है तो राम भी ये है रावण भी ये है जबकि बेचारा ऑक्सीटोसिन सिंपल सा है न राम है न रावण है तो सिंपल काम करता है न बहुत अच्छा है न बहुत बुरा है न किसी के साथ बहुत अच्छा करता है और न किसी के साथ बहुत बुरा करता है तो बेटा याद रखिएगा आंसर है ऑक्सीटोसिन ठीक है चलो क्योंकि ऑक्सीटोसिन को ही मानते हैं ड्रग ऑफ चॉइस किसके लिए आंसर है पीपीएच को और कॉन्ट्रेक्शन को इंप्रूव करने के लिए आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल आ गई अगला क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा ये मेरा फेवरेट है ये क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में जरूर मिलेगा ये लिख लो एग्जाम में तुम्हें जितने पेपर देने जा रहे हो ये हिपेरिन का एंटीडॉट तैयार बैठा है एग्जाम में आप भूलना मत समृत वन ऑफ माई फ्रेंड गेट सिलेक्शन बिकॉज ऑफ योर यूट्यूब क्लासेस गॉड ब्लेस यू बच्चे उसको बोलना भगवान का शुक्रिया अदा करे और घर वालों का ध्यान रखे बस इतना बहुत है हमारे लिए बिल्कुल बताया बेटा सलमान खान ही बताया था वही है आंसर है प्रोटामिन सल्फेट क्या देते हैं बेटा हिपेरिन का एंटीडोट क्या देते हैं प्रोटामिन सल्फेट देते हैं अब आपने कहा कैसे देते हैं वो याद रखिएगा ठीक है तो प्रोटामिन सल्फेट जो आप दे रहे हो बच्चे अगर आपने कहा कि लास्ट डोज लास्ट डोज ऑफ हिपेरिन लास्ट डोज ऑफ हिपेरिन याद रखिएगा अगर आपने 30 मिनट के अंदर ही दिया था हिपेरिन दिए दिए अभी 10-20 मिनट ही हुए हैं तो आपको बेटा एक एम देना है आपने कहा कितने के लिए एक एम पर हंड्रेड यूनिट्स के लिए पर हंड्रेड यूनिट्स हिपेरिन के लिए आपको एक एम देना है कब जब हिपेरिन दिए हुए तीस मिनट तीस मिनट भी नहीं हुए ठीक है अगर हिपेरिन दिए हुए तीस से साठ मिनट हो गए हैं अगर हेपेरिन दिए हुए 30 से 60 मिनट हो गए तो आपको 0.5 से 0.75 पॉइंट पर वन था पर वन हंड्रेड एम यूनिट देना पड़ेगा आपने कहा अगर हेपेरिन को दिए हुए 60 से 120 मिनट हो गए एक से लगभग दो घंटे हो गए तो आपको बेटा कितना देना पड़ेगा 0.375 से 0.5 पॉइंट एम देना पड़ेगा और अगर जिससे ज्यादा दिन हो गए यानी एक से बीस एक सौ बीस मिनट से ज्यादा हो गए यानी दो घंटे से ज्यादा समय हो गया है तो आपको देना पड़ेगा जीरो पॉइंट टू फाइव से लेके जीरो पॉइंट थ्री सेवन फाइव एम पर वन हंड्रेड यूनिट ऑफ याद रखिएगा कभी एग्जाम में पूछ ले बोला सर ये आएगा सी में ना ये तो नॉर्सेट में आएगा तो सर फिर सीएचओ में क्या आएगा सीएचओ में आएगा प्रोटामिन सल्फेट डीएस में क्या आएगा प्रोटामिन सल्फेट तो ये क्यों समझाया ये उन बच्चों के लिए जो मुझसे इस उम्मीद से बैठते हैं कि भाई आया है कुछ नया सिखा के जाएगा तो इसलिए नया सिखा देते हैं सबका फायदा होना चाहिए सबका साथ सबका विकास अभी सर हमारा डीप क्वेश्चन कराओ कहां से कहां डाल के निकालो क्वेश्चन डीप माई फ्रेंड गॉट एम्स बीबी नगर सर आया मैन स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एम पी बट आपकी क्लास देख कर नॉलेज काफ़ी गेन हुआ है यार ट्राइंग फॉर एम्स अगेन आपके जैसा टीचर नहीं देखा गॉड ब्लेस यू बच्चे जीते रहो ठीक है बेटा चलो चलो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे फटाफट बताओ और याद रखना जब प्रोटामिन सल्फेट दे रहे हो तो आपको पीटीटी चेक करना है पीटीटी पीटीटी और पीटी चेक करना है एवरी फिफ्टीन मिनट्स ये याद रखना कि अगर हिपेरिन ज्यादा चला गया है और आप दे रहे हो इसको बच्चे क्या प्रोटामिन सल्फेट तो पी टी टी और पी हर पंद्रह मिनट में चेक करना है ये नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी के काम में आएंगे ये ध्यान रखना फिर बोलना भाई ने बताया नहीं तो बता दिया पी टी टी और पी टी प्रोथ्रोमिन टाइम और पार्शियल थ्रोमोप्लास्टिन टाइम हर पंद्रह मिनट में चेक करना है बोलो आज के आनंद की जय नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर इज ये ये तो देखो ये इतना इजी क्वेश्चन आएगा बिल्कुल आएगा आएगा सौ परसेंट अरे आया हुआ ही तो करवा रहा हूं डी और क्या मैं घर से थोड़ी लाया इन चीजों को ये तो क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ है बे विद सेम ऑप्शन अच्छा बताया नहीं आपने मैंने कहा और क्या बता रहे आंसर है आठ से इक्कीस आठ से इक्कीस होता है आपने कहा चलो ठीक है एक बात बता दीजिए ओपी आप ये जो मेजर कर रहे हो क्या है ओपी मैंने कहा इंट्राओकुलर प्रेशर है सर क्या है ये प्रेशर मैंने इंटरनल सरफेस ऑफ द एंटीरियर आई एंटीरियर आई की इंटरनल सरफेस पर एक्वस ह्यूमर के द्वारा लगाया गया प्रेशर ही इंट्राओकुलर प्रेशर कहलाता है कौन लगाता है इस प्रेशर को बच्चे आंसर है एक्वस एक्वस लिक्विड एक्वस का जो ह्यूमर है वो लगाता है इस प्रेशर को आपने कहा कहाँ लगाता है सर इंटरनल सरफेस पे लगाता है इंटरनल सरफेस किसकी इंटरनल सरफेस पे लगाता है आंसर है एंटीरियर आय किसकी लगाता है एंटीरियर आय एंटीरियर आय का इंटरनल सरफेस पर एक्वस ह्यूमर जो प्रेशर लगाता है इसे इंट्राऑकुलर प्रेशर कहते हैं बोलो आज के आनंद की जाए ठीक है बच्चे ऑकुलर हाइपरटेंशन अगर आपने कहा सर अगर इससे ज्यादा हो जाए तो तो इसे कहते हैं ऑकुलर हाइपरटेंशन क्या कहते हैं ऑकुलर हाइपरटेंशन कहेंगे कब कहेंगे जब मोर देन 21 हो जाएगा तो मैंने कहा सर इंटर ये जो ऑकुलर हाइपरटेंशन है इसकी वजह से कुछ हो सकता है क्या ये तो फिर बेटा बहुत खतरनाक है फिर तो ये क्या करेगा ग्लूकोमा कर देगा क्या करेगा ग्लूकोमा ये ग्लूकोमा कर देता है समझ में आ रहा है ना तो ग्लूकोमा कब होगा बच्चा अगर ग्लूकोमा हो गया तो ऑप्टिक नर्व डैमेज अरे खास तो जिंदगी में बहुत है फिर ऑप्टिक नर्व क्या हो जाएगी डैमेज हो जाएगी किसकी वजह से ग्लूकोमा की वजह से तो कहानी कुछ ऐसी है कि इंट्रा ऑकुलर हुआ तो ग्लूकोमा हुआ ग्लूकोमा हुआ तो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई क्या हो गई ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई समझ में आ रहा है ना बच्चे और अगर ग्लूकोमा को ठीक नहीं किया तो विजन लॉस हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर अगर आपने ग्लूकोमा को ठीक नहीं किया तो बेटा ऑप्टिक नर्व डैमेज अब धीरे धीरे विजन लॉस हो जाएगी तो आपको मैं ये बता रहा था इंट्राओकुलर प्रेशर के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं ध्यान में रखनी भी चाहिए क्या पता बुरे वक्त में कब कौन सा कहाँ से क्या पूछ लूझे काला पानी बहुत बढ़िया काला पानी देख रहे हो बच्चे के ज्ञान सागर में डुबकी लगा रहा है ये देश में कहीं भी जाओ भाई का नेम है, कोई भी हेल्प कर देगा बिना पूछे रुतुबा भाई का ब्लेस यू बच्चे विराट कोहली एम एन एस के पेपर में रिसर्च भर के आई थी पेपर देखा था एम एन एस का एम एन एस के पेपर में हर दूसरे क्वेश्चन में भाई की याद आ रही थी एम एन एस का लेवल महिलाओं के हिसाब से बनाया बड़ा बढ़िया पेपर था याद रखिएगा और आगे हर एग्जाम में जितने एग्जाम दोगे ना अगर आप क्लास सुन लेते हो मेरी गारंटी है सुनने के बाद तुम्हें इतना फायदा मिलता है कि आप उसको आराम से टिक कर सकते हो बस सड़ते तुम्हें सुनो जितनी क्लास पढ़ी यूट्यूब पर सारी चार्ट मारो तुम्हारा सिलेक्शन वैसे ही हो जाना है टोनोमीटर क्या बात है देख रहे हो एक से बढ़कर एक काम कर रहे लोग बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन पर प्रकाश डालें देख लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा गगन शर्मा बाईस जनवरी को बहुत बड़ा दिन है रामलला आएंगे हम सब का हम सब अपने जीवन काल में इस दिन को देख पाए ये बड़ी खुशी की बात है बच्चे बस इसको किसी धर्म के साथ ना जोड़ा जाए बेस्ट यही है कि भगवान आ रहे हैं स्वागत करिए है। और शांति बनाए रखिए ये अपने भगवान को खुशी मनाने का दिन है किसी और को चिढ़ाने का दिन नहीं है डिस्टैंडर्ड एबडमन एंड एबसेंस ऑफ बाउल साउंड आफ्टर द एबडोमिनल सर्जरी इंडिकेट एबडोमन की सर्जरी करी उसके बाद एनस्टिस आपने दिया और उसके बाद फिर आगे पास होना बंद हो गया मतलब के इसे कहते हैं पैरालाइटिक इलियस इंटरसेप्शन तो टेलीस्कोपिंग होती है तो वो तो काम यहाँ होगा नहीं कि इंटेस्टाइन एक में एक घुस जाए अंदर जाके तो टेलीस्कोपिंग तो इसमें अंदर पाई नहीं जाती हेमरेज तो इसमें बात ही नहीं कर रहा है वो रपच्चर कॉलन पैरालाइट के लिए से द चाइल्ड द पर्सन हु हैव द सर्जरी इज एब्सेंस ऑफ बाउल साउंड कोई पैरास्टाइसिस मूवमेंट नहीं मिल रहा इसे कहते हैं पैरालाइट के लिए सिंपल सा क्वेश्चन है ऐसे तो आप नींद में भी सही कर दोगे सर मैंने और पुरुषोत्तम ने कौन है पुरुषोत्तम <laughs> चलो अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग यूज द मैनेजमेंट ऑफ हाइपर कैलेमिया हाइपर कैलेमिया का मैनेजमेंट एस डी चार सही कहा बेटा हर गली में टीचर है पर भाई एक ही है टीचर बहुत है भाई एक है के? टेट राजस्थान का पेपर नोट सेट जैसा होगा दस जन्म में नहीं हो सकता नोट सेट के जैसा राजस्थान का पेपर दस जन्म में नहीं हो सकता मैं कह रहा हूँ टेंशन मतलब विच ऑफ़ द फॉलोइंग मैनेजमेंट ऑफ़ हाइपर कैलीमिया हाइपर कैलेमिया का मैनेजमेंट किया जाता है इंसुलिन और ग्लूकोज इंसुलिन और ग्लूकोज का यूज किया जाता है आपको अच्छे से पता है क्या करता है कि इंसुलिन जैसे ही हाइपर कैलेमिया होता है तो इंसुलिन क्या करता है सेलुलर इन्फ्लक्स को बढ़ा देता है क्या करता है सेलुलर इन्फ्लक्स को बढ़ा देता है इनफ्लक्स को बढ़ा देता है ऑफ द पोटेशियम एंड ग्लूकोज ये जो इंसुलिन है वो इन किस किस को बढ़ा देता है सेलूरा इन्फ्लेक्स सेल के अंदर भेजता है पोटेशियम को और ग्लूकोज को तो पोटेशियम ब्लड से कहाँ चला गया सेल में तो ब्लड से निकल के सेल में गया तो ब्लड में क्या हो गया कम तो इससे हो गया नॉर्मल पर क्योंकि ग्लूकोज भी अंदर घुस गया तो बेटा मुझे एक्स्ट्रा ग्लूकोज साथ में देना पड़ेगा अकेला इंसुलिन देने से दिक्कत हो जाएगी अगर आपने अकेला इंसुलिन दिया तो पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया में चला जाएगा इसीलिए मुझे साथ में क्या देना पड़ता है ग्लूकोज देना पड़ता है तो हम देते हैं इंसुलिन और ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन साथ में क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई बच्चे बिल्कुल आ रही होगी क्यों नहीं आ रही होगी सिमरन क्यों लाल हो रही है बेटा क्या हुआ तेने अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन भाई क्या क्या नोट करें एग्जाम वाला आपके मजाक को भी डाल देता है एग्जाम प्रेप में <laughs> एग्जाम पेपर में सही कह रहा बच्चे चलो सेफ टाइम फॉर द रेप्ड स्टेर इंस्ट्रूमेंट ये कह रहा है कि कितने समय तक आप इंस्ट्रूमेंट को रैप करके रख सकते हो इस वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा है बच्चे याद रखिएगा मैं बता दूं कि कब तक रख सकते हैं अगर वो स्टेरा इस इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है तो दो तरह के टाइप बी वैक्यूम एक तो टाइप बी वैक्यूम ऑटोक्लेव और एक होता है बच्चे नॉन वैक्यूम ऑटोक्लेव एक होता है वैक्यूम ऑटोक्लेव और एक होता है नॉन वैक्यूम तो नॉन वैक्यूम में नॉन वैक्यूम वाले को आप 21 दिन तक रख सकते हो बच्चे रख सकते हो कैन बी अरे हाँ ना। और आप इसे कितने दिन तक रख सकते हो आंसर है वैक्यूम वाले को तीस दिन तक रख सकते हैं ये कैन भी है इतना रख सकते हैं कितना रखना चाहिए कितना रखना चाहिए आंसर है बच्चे सेवन डेज तो बेटा आंसर सात दिन के हिसाब से क्या जाएगा ये लास्ट टू लास्ट कितना रख सकते हैं तीस दिन तक रख सकते हैं वैक्यूम वोटोक्लेब और नॉन वैक्यूम को रख सकते हैं इक्कीस दिन तक पर कितने दिन तक रखना चाहिए आंसर है सात दिन तक क्या इस ऑप्शन के हिसाब से आंसर है बेटा क्या जाएगा सात दिन ए, महादेव शंकर शर्म कर यार तू एन एच एम की पेपर की टेंशन हो रही है भगवान यार एन एच एम की पेपर की टेंशन कितना नीचे जाओगे एन एच एम के पेपर की तैयारी नहीं होती एन एच एम का पेपर सुबह उठ के मुंह धो धोके दिया जाता है तुम लोगों ने नोट सेट की तैयारी करी है सालों साल और तुम एन एच एम के लिए प्रेशर में आ रहे हो एन एच एम में तुम करके भी अगर ना होना एग्जाम में तो ज्यादा खुशी मनाना कंपेयर टू एग्जाम होने के क्लियर होने के बाद सच कड़वा है पर सच यही है तुम जैसे उम्मीद में एन एच एम दे रहे हो ना कि पाँच साल बाद परमानेंट कर देंगे कोई ठेका नहीं पाँच साल बाद परमानेंट कर देंगे और मुझे हंसी इस बात पे आती है दुख भी इस बात का होता है कि तुम्हें एन एच एम के पेपर की टेंशन होती है कि सर पेपर कैसा आएगा कहीं पेपर खराब ना आ जाए इतना खुद को नीचे मत गिराओ जितना खुद को नीचे गिराओगे ना तुम्हारा जमीर और तुम्हारा कॉन्फिडेंस दोनों नीचे गिरते जाएंगे एन एच एम की पेपर की तैयारी नहीं होती है एन एच एम का सिर्फ पेपर होता है जब मन करे ना तब उठ के दे देना चमका पेपर ठीक है सात हजार छह हजार नौ सौ बावन रुपए के लिए जो काट के हाथ में आएंगे तुम्हारे इसके लिए टेंशन नहीं इसके लिए तो तुम ये करो कि ठीक है दे आए थे पेपर ज्वाइन तो करना नहीं है ऐसा होना चाहिए आपके मन में पेडियाट्रिक ड्रग कैलकुलेशन की डोज मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ यूट्यूब जाके देख लेना ड्रग डोज कैलकुलेशन कैलेन मेरी क्लास पड़ी हुई है पूरी वो बीस हजार रुपए मैंने एनएचएम चाहे नब्बे मिल जाए एनएचएम में किस उम्मीद से एनएचएम का पेपर फॉर्म भर रहे हो मतलब किस उम्मीद में एनएचएम का पेपर लिख रहे हो कि तुम्हें मतलब उम्मीद है कि तुम चार पांच साल में परमानेंट हो जाओगे यूँ क्या यार इतना तो खुद को नीचे मत गिराओ भाई बहुत आगे जाना है अरे अठारह यार मिल जाएंगे तो है तो एनएचए ही यार बढ़िया है अठारह यार नौ सौ कर दिया पेमेंट तो बेसिस्ट गॉड बच्चे चलो अगला क्वेश्चन से क्या हो गया अगला क्वेश्चन फटाफट करो बेटा सारी चीज सीएचओ का बता दो तो, सीएचओ का क्या बताऊं हारे का सहारा है सीएचओ हमारा अब मैं सीएचओ के बारे में कुछ बोलूंगा फिर सीएचओ वाला जो ऑलरेडी बेटा है, वो ऑफेंड हो जाएगा सर ऐसे बोल दिया अरे यार ये सब ये सब है ना सांत्वना पुरस्कार है जब जंग हार जाते हो ना तो जंग हारने के सांत्वना पुरस्कार एन एच एम और सी एच ओ जंग जीतने के पुरस्कार होते हैं नॉर्सट डी एस एस बी ई एस आई समझ में आ रहा है ये जॉब हैं जिनमें जंग जीती जाती है जब जंग हार जाते हैं ना एक हाथ कट के लौट बैठे रहते हैं लोले लंगड़े बन के उनके सांत्वना पुरस्कार हैं ये तो फिर आप ज़िंदगी में कुछ नहीं करते तो ये बन जाओ फिर कहना सी एच ओ बन जाना फिर कहीं किसी कोचिंग में पढ़ा लेना बहुत से सी एच ओ पढ़ा ही रहे हैं वट इज द टाइम रिक्वायर फॉर स्टेन ऑफ ऑटो क्लेब टाइम रिक्वायर स्टेटोलेव दू थर्टी मिनट आपको पता है कि ऑटो क्लेम में जो टाइम लगता है वो कैसा होता है आपको अच्छे से पता है कितना टाइम लगता है बच्चे बीस से तीस मिनट का टाइम लगता है ठीक है टेम्परेचर कितना होता है वन नॉट वन ट्वेंटी वन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है ये याद रखना और आपने कहा कितने मिनट के लिए रखते हैं तीस मिनट के लिए रखते हैं ऑप्शन में बीस से तीस था तो हमने बीस से तीस को आंसर दिया ठीक है बच्चे सर प्रेशर कितना होता है तो बेटे प्रेशर पंद्रह एल बी एस पंद्रह एल पी पी एस आई का आंसर मान लीजिए और अगर वो कैसे एम एम ऑफ एच जी में बता दी तो इस सात सौ पचपन एम एम ऑफ एच जी सात सौ पचपन नहीं सात सौ पिचहत्तर एम एम ऑफ एच जी तो बेटा अगर एम एम और एच जी में दे रखा हो तो आंसर ये और अगर पी एस आई में दे रखा हो तो बेटा आंसर ये दोनों का भी वक्त बुरे हों तो पूछ सकता है तो आपको याद रखना है जब भी ऑटो क्लिप को यूज करो बच्चे याद रखना ऑटो क्लिप को जो आप यूज कर रहे हो इन दैट सिचुएशन ऑटोकुलो को जब यूज करते हैं इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो चैम्बर है जो चैम्बर है उसमें जो आप क्या ले रहे हो उस चैम्बर के अंदर उस चैम्बर में जो 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 क्या भरा हुआ है वाटर भरा हुआ है उस चैम्बर के अंदर वो सफिशियंट होना चाहिए ठीक है बच्चे और जैसे ही विसिल बजे उस प्रेशर को वहां से रिलीव कर देना चाहिए और विसिल बजने के बाद होल्डिंग टाइम रखते हैं बच्चे इसका होल्डिंग टाइम कितना रखते हैं पंद्रह मिनट का रखते हैं कितना रखते हैं पंद्रह मिनट का ठीक है समझ में आ गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे पेरा फटाफट देखो What is the size of papule developed by administration of BCG? याद रखना बीसीजी में जो पेप्यूल बनते हैं बीसीजी में जो क्या बनते हैं पेप्यूल अब बीसीजी में जो पेप्यूल बनेंगे बच्चे वो याद रखिएगा इन दैट सिचुएशन वो ऑरेंज कलर के बनते हैं याद रखना कौन से कलर के बनते हैं ऑरेंज स्किन के पेप्यूल बनते हैं चार से आठ एम एम के बनते हैं कितने है? 4 mm बनते हैं चार से आठ एम एम हैं और वहां बनते हैं जहां आपने इंजेक्शन लगाया हो ठीक है बच्चे अब जो पेप्यूल है ये बनने कब स्टार्ट होते हैं एपियर कब होते हैं तो बेटा एपियर ही होते हैं टू टू थ्री वीक के अंदर कितने के अंदर होते हैं दो से तीन वीक के अंदर होते हैं ये ग्रो होके मैच्योर हो जाते हैं ग्रो एंड मैच्योर हो जाते हैं कितने वीक के अंदर बच्चे आंसर है चार से पांच वीक के अंदर और ये बाद में हील होके स्कार बन जाते हैं हीलिंग होके स्कार बनाते हैं हीलिंग एंड स्कार ये बनाते हैं आठ से बारह वीक में अगर आगे कहा आठ से बारह वीक में एक आंसर देना हो तो आंसर है आठ वीक ज्यादा सही आंसर है सो तो इन दैट सिचुएशन एपियर कब हुए बेटा ये चार से आठ एम एम के आंसर है दो से तीन वीक में ग्रो होके मैच्योर कब हुए है चार से पांच वीक में हीलिंग होके स्कार कब हुए आठ से बारह वीक में क्लियर है बी लगाने के बाद कौन कौन से साइड इफेक्ट आते हैं साइड इफेक्ट या कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं तो कीलॉयड फॉर्मेशन हो सकता है कौन सा हो सकता है कीलोयड फॉर्मेशन हो सकता है और यहाँ पर एक्जरी लिम्फोनोड एन लार्ज हो सकते हैं एक्जलरी ऑस्टियोमेलाइटिस हो सकता है एक्जलरी लिम्फोनोड एन लार्ज हो सकता है कीलॉयड फॉर्मेशन होता है छब्बीस गौज की निडिल से इसको लगाया जाता है बी को इसे स्टोर करते हैं दो से आठ डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर इस बी के लिए थ्री एल को याद रखना है लाइव Light sensitive और पाउडर फॉर्म में होती है आपने कहा मतलब मतलब तीन एल याद रखना थ्री एल बी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपने कहा थ्री एल कौन कौन सी हैं? बताइए एक तो ये वैक्सीन लाइव होती है ये इंपॉर्टेंट है दूसरी क्या होती है इसके अंदर याद रखिएगा सेकेंड ये लाइट सेंसिटिव होती है कौन सी होती है लाइट सेंसिटिव होती है क्लियर है और कौन सी बच्चे लाइसो लाइफाइड यानी कि पाउडर फॉर्म में होती है बच्चे इसका ध्यान में रखिएगा तो थ्री एल बी सी जी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के हिसाब से इसको एक साल तक दे सकते हैं और अमे और और इंडियन एसोसिएशन ऑफ पियाट्रिक के हिसाब से इसको पांच साल तक दे सकते हैं तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के हिसाब से इसे एक साल तक लगाते हैं और अगर हम बात करें इंडियन एसोसिएशन ऑफ पियाट्रिक के हिसाब से इसे हम पाँच साल तक में लगाते हैं क्लियर बच्चे तो बेटा आंसर क्या जाएगा इसका आंसर गया चार से आठ एमएम mm डायमीटर के बनेंगे ठीक है क्लियर चलो अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा फटाफट क्वेश्चन का आंसर दें रूट ऑफ डीपीटी पी टी टी ऑन हेपेटाइटिस बी क्या आंसर जाएगा बच्चे आंसर है इंट्रा मस्कुलर क्या जाएगा आई एम ये सारी वैक्सीन कैसे लगे बेटा आई एम लगती हैं आज के टाइम पे जो डीपीटी है वो रिप्लेस्ड हो गई है इसके प्राइमरी डोज की जगह बेटा हम क्या लगाते हैं रिप्लेस्ड प्राइमरी डोज इसके जो प्राइमरी डोज हैं वो रिप्लेस कर दिए हैं किससे कर दिए हैं पेंटावैलेंट से कर दिए हैं पेंटा है. किससे पेंटावैलेंट से अब पेंटा वैलेंट से इसको किया है तो आपने कहा ये जो डीपीटी होती है वो दो टाइप की होती है एक तो प्लेन होती है और एक एब्जॉर्ब कौन सी होती, होती एब्जॉर्ब के, क्या, क्या के लिए काम में लिया जाता है एलमोनियम हाइड्रोक्साइड काम में लिया जाता है या एल्मोनियम फॉस्पेट काम में लेते हैं इनमें से एक काम में लिया जाएगा याद रखना तो एब्जॉर्ब क्या किसमें काम आ रही है प्राइमरी में और प्लेन किस में काम आता है बूस्टर डोज में काम आता है इसे स्टोर कितने पे करते हैं चार से आठ डिग्री की सेल्सियस पे इसको स्टोर करते हैं कन्वर्जल में इसको नहीं देते हैं कन्वलजल में इसे नहीं देते हैं एक बात याद रखना अगर आपने कभी लाइफ में सुना हो एक होता है फुली इम्यूनाइज चाइल्ड फुली इम्यूनाइज चाइल्ड फुली इम्यूनाइज चाइल्ड और कंप्लीटली इम्यूनाइज चाइल्ड कंप्लीटली इम्यूनाइज इम्यूनाइज चाइल्ड दोनों में क्या फर्क है दोनों में क्या फर्क है और कंप्लीटली इम्यूनाइ मतलब है कि ऑल वैक्सीन ऑल वैक्सीन इज गिवन सारी वैक्सीन जो आप दे रहे हो अप टू वन ईयर एक साल तक की जितनी वैक्सीन होनी चाहिए थी वो सारी आपने वैक्सीन दी है अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के हिसाब से तो इसे कहते हैं फुली इम्यूनाइज और अगर आपने सारी वैक्सीन दो साल तक के लिए दी रखी हैं यानी कि दो साल तक के लिए जितनी वैक्सीन होनी चाहिए वो सारी आपने दी हैं तो बेटा ये कहलाएगा कंप्लीटली इम्यूनाइज तो फुली इम्यूनाइज वो बच्चे होते हैं जिन्हें एक साल तक की सारी वैक्सीन लग चुकी होती हैं और कंप्लीटली इम्यूनाइज वो बच्चे होते हैं जिन्हें दो साल तक की पूरी वैक्सीन लग चुकी होती है समझ आ रहा है बच्चे ठीक है चलो अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन डायलूंट फॉर जैपेज एंसेपेलाइटिस वैक्सीन इज इस, इसके लिए कौन सा वैक्सीन काम में लिया जाएगा फटा बता जल्दी कौन सा डायलूंट काम में लेते हैं जेई के लिए आंसर है फॉसपेट बफर सॉल्यूशन कौन सा काम में लेते हैं फॉस्टपेट बफर सॉल्यूशन काम में लेते हैं डायलोइेंट फॉर द जापानीज एनसेपेलाइटिस वैक्सीन जापानीज एनसेप वैक्सीन के लिए कौन सा काम में लेते हो आंसर है बच्चे फॉस्टपेट बफर सॉल्यूशन काम में लेते हैं किसके लिए काम में लेते हैं फॉस्टपेट बफर सॉल्यूशन अगर मैं बात करूं कि जे ई के बारे में क्या क्या है तो बेटा याद रखना जे ई की जो वैक्सीन है पहले तो देखो जो जितने भी डायलेंट होते हैं पहले तो इसको याद रखो जितने भी जिन डायलूटेंट होते हैं ये हमेशा दो से लेके आठ डिग्री सेल्सियस पर ही प्रिजर्व किए जाते हैं ठीक है कभी इन्हें फ्रोजन नहीं किया जाता नेवर फ्रोजन कभी भी इन्हें फ्रोज करके नहीं करते हैं और जो भी आपने डायल्यूट की है वैक्सीन वो एंड ऑफ सेशन पे डिस्कार्ड हो जाती हैं या विद इन सिक्स आवर तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो डायल्यूटेड वैक्सीन है डायल्यूटेड वैक्सीन है वैक्सीन जो आपने डायल्यूट की है वैक्सीन ये डिस्कार्ड कब होती हैं डिस्कार्ड कब होती हैं तो दो ऑप्शन है एक तो एंड ऑफ सेशन जो सेशन एंड हो जाए तब या आर इनमें से जो पहले हो जाए उस पर डिस्कार्ड करनी है छह घंटे पहले हो जाए तो तब डिस्कार्ड करनी है और सेशन पहले खत्म हो जाए तब डिस्कार्ड करनी है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से ये जो जापानीज़ एंसेपलाइटिस वैक्सीन के दो डोज लगते हैं आपने कहा दो डोज लगते हैं याद रखिएगा ये वैक्सीन जो है ये वैक्सीन जो है बेटा याद रखना इसके दो डोज लगा रहे हैं और ये दोनों डोज कैसे जाएंगे सब क्यूटेनियस जाएंगे अब ये कहां लगेगा लेफ्ट अपर आर्म पे लगेगा कहां लगेगा लेफ्ट अपर आर्म पे लगेगा क्लियर ये जो जैपनीज एम्पेलाइटिस वायरस ये जो इन्फेक्शन है ये कैसा होता है क्यूलेक्स ये जो फीमेल जो के फीमेल मॉस्किटो है क्यूलेक्स उससे लगता है वो इसे वेक्टर है वो इसे ट्रांसमिट करता है दो डोज लगते हैं तो पहला डोज कब लगेगा फर्स्ट डोज कब लगता है किसका का तो फर्स्ट डोज लगता है मंथ मंथ पर पर कब लगता है पर. किसके साथ मिजस के साथ और इसका जो सेकंड डोज है वो कब लगेगा इसका सेकंड डोज लगेगा डीपीटी बूस्टर के साथ कब लगेगा डीपीटी बूस्टर के साथ लगेगा इसका सेकंड डोज और डीपीटी बूस्टर कब लगता है 16 से लेके 24 महीने की एज में लगता है तो जैपेज एंसेफेलाइटिस के दो डोज कर दिए सबक्यूटेनियस कर दिया है और याद रखना कि फीमेल क्यूलेक्स से फैलता है और लेफ्ट अपर आर्म पे लगाते हैं इस वैक्सीन को और इसका पहला डोज नौ महीने पर लगता है सेकंड डोज डीपीटी बूस्टर के साथ लगता है जो सोलह से चौबीस महीने पे है। क्या इतना समझ में आ गया इसके जो जैपेज एंसेफेलाइटिस वैक्सीन है इसके तीन टाइप हैं थ्री टाइप है इसके कितने टाइप है थ्री टाइप दो इसके किल्ड हैं और एक इसका लाइव है क्वेश्चन है कि हम कौन सा काम में लेते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में हम लाइव वाला काम में लेते हैं कौन सा वाला काम में लेते हैं लाइव वाला काम में लेते हैं और लाइव वाला जो काम में ले रहे हो वो कौन सा है एस ए चौदह चौदह दो स्ट्रेन है एस ए फोर्टीन फोर्टीन टू स्ट्रेन है जो काम में लिया जाता है इतना डीप तो नहीं पूछेगा पर आप इसे याद रखिएगा लाइव एटीन्यूटे वैक्सीन है जो हम अपने शेड्यूल में काम में लेते हैं क्लियर बच्चे नाउ वी हैव टू टेक फाइव मिनट ब्रेक पाँच मिनट का ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस हम बात करेंगे डी के बारे में और क्वेश्चन के बारे में ठीक है बच्चे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन फास्ट क्वेश्चन पढ़ो और आंसर करो बड़ा, बड़ा क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट माइल स्टोन पुट्स द फोर मंथ ओल्ड इन्फेंट एट ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर इंजरी अगर वो कहें कि चार महीने के बच्चे में ऐसी कौन सी चीज आ गई है जिससे उसको ज्यादा इंजरी के चांस है तो आपको अच्छे से पता है कि नाम सुना होगा आपने सिड्स सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम अगर आप इसमें बच्चे को सुपाइन में सुला रहे हो तो बच्चा रोल ओवर हो जाता है और बच्चा रोल ओवर होके कौन सी पोजीशन में चला जाता है प्रोन में चला जाता है और प्रॉन में चला जाता है तो इसके डेथ होने की संभावना भी बढ़ जाती है अगर मैं कहूँ रोल ओवर करना सीख गया तो बेड के एक किनारे पे सुलाओगे तो ये घूमता हुआ दूसरे किनारे से गिर जाएगा या इसी किनारे से गिर जाएगा जब बच्चा बेड में पलटने लग जाता है जब बच्चा बेड में पलटने लग जाता है इसका मतलब यह हुआ इस पलटने की वजह से इस पलटने की वजह से उसके इंजरी के चांस बढ़ जाते हैं और जब इंजरी के चांस बढ़ेंगे तो वो हमने कहा किस लिए बढ़े क्योंकि रोलिंग ओवर पाई जाती है स्टैंडिंग क्या बच्चा चार महीने खड़ा हो सकता है नहीं हो सकता क्या बच्चा क्राउलिंग कर सकता है आठ से दस महीने का बच्चा क्राउलिंग करता है स्टैंड होने के लिए बच्चे को विदाउट सपोर्ट लगभग दस से ग्यारह महीने का समय लगता है स्विचिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन हैंड टू वन अदर यह छह से सात महीने का समय है तो आपसे कोई पूछा जाए आपसे ये पूछा जाए कि इन दैट सिचुएशन के छह से सात महीने हैं ऑब्जेक्ट एक से दूसरे में जाना है क्या इससे इंजरी हो सकती है? नहीं हो सकती तो रोलिंग ओवर होने से इंजरी होगी ना तो बेटा आंसर क्या जाएगा आंसर जाएगा डी क्या जाएगा डी क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इन नर्स नोट इज स्वेलिंग ऑन द न्योनेट स्के क्रॉस द फ्यूचर क्रॉस द फ्यूचर लाइन दैट इज एसमेंट फाइंडिंग फ्यूचर लाइन को क्रॉस करना है सूचर लाइन को क्रॉस करता है कौन सी ऐसी चीजें सूचर लाइन को क्रॉस कर जाती है आपको अच्छे से पता है कि सिफेलो हेमेटोमा जो है सिफेलो हेमेटोमा सूचल लाइन को कभी क्रॉस नहीं करता सूचर लाइन को कभी क्रॉस नहीं करता क्योंकि सिफेलो हेमेटोमा में कलेक्शन ऑफ ब्लड होता है क्या होता है कलेक्शन ऑफ ब्लड होता है ओवर द बोन ओवर द बोन एंड बिलो द पेरियो बिलो द पेरी ऑस्टियम के नीचे और सॉरी पेरी के नीचे और बोन के ऊपर कलेक्शन ऑफ ब्लड होता है तो कलेक्शन ऑफ ब्लड बोन के ऊपर हुआ ना तो जहां बोन है वहां होगा कलेक्शन और सूचर में बोन नहीं होती है तो उसके ऊपर ब्लड भी नहीं हो सकता तो सिफेलो हेमेटोमा कभी सूचर को क्रॉस नहीं करता कैपुट सक्सीडेनम हमेशा सूचर को क्रॉस करता है सक्सीडेनम हमेशा सूचर को क्रॉस करता है याद रखिएगा हेमेटोमा एट सक्सीडेनम एट बर्थ होता है और सिफेलो हेमेटोमा 24 घंटे के बाद होता है कैपुट सक्सीडेनम ज्यादातर प्रेजेंटिंग पार्ट पे होता है और यह ज्यादातर ऑक्सीपिटल पार्ट पे होता है यह पूछा जाए तीन से चार दिन में डिसपियर हो जाता है ये तीन से चार दिन में डिसपियर हो जाता है इसको जाने में वीक्स लगते हैं तो बच्चे ये कुछ अंतर है जो आपको ध्यान में रखना है क्लियर है आंसर क्या जाएगा कैपोट सक्सीडेनम चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा द तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन फास्ट आंसर दीजिए फटाफट आंसर को दिए सारे बच्चे व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट इज द यूज ऑफ एनवर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट डी डी टी डी डी एस टी डेनवर्ड डेवलपमेंट स्क्रीन टेस्ट हम जो काम में लेते हैं बच्चे उसके बारे में बात कर रहे हैं ध्यान सुनिएगा वो ये कह रहा है इसमें क्या क्या चीजें हम चेक करेंगे फटाफट आंसर प्रियंका कुछ नहीं हुआ बेटा सब कुछ ठीक है नहीं तबीयत खराब नहीं हुई इच एंड एवरीथिंग इज परफेक्टली अभी तो बेटा रुक जाओ अभी है डिस्कस अबाउट डी एस एस बी डी एस एस के बारे में बहुत सी चीजें हम डिस्कस करनी है आज की क्लास में ही तो सही समय आने दो तो करेंगे पहले क्वेश्चन खत्म हो जाएगा ठीक है फिर डिटेल में बात करेंगे आप और हम तो बेटा याद रखना ये जो डेनवर है ये डेनवर का टेस्ट सबसे पहली बार कब यूज किया गया स्क्रीन टेस्ट को आंसर है नाइनटीन के अंदर पुराना जो किया था ये था सेकंड वाला डेनवर सेकंड को हम क्या हमने किया है 1992 में फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट यूज किया था वो किया था 1967 के अंदर क्लियर है इसके अंदर हम डेवलपमेंट प्रॉब्लम को चेक करते हैं इसके अंदर हमें कौन कौन से फोर एरिया चेक करने हैं ये चारों एरिया आप याद रखिएगा इसमें फोर एरिया को असेस किया जाता है डेनवर के अंदर आपने कहा कौन कौन से है पहला है डेनवर के अंदर जो हम चेक कर रहे हैं पर्सनल एंड सोशल कौन सा चेक कर रहे हैं पर्सनल सोशल दूसरा कौन सा करते हैं फाइन मोटर मोटर तीसरा कौन सा करते हैं ग्रॉस मोटर कौन सा करते हैं ग्रॉस मोटर और चौथा करते हैं लैंग्वेज कौन सा करते हैं लैंग्वेज ये चार माइलस्टोन चेक किए जाते हैं पर्सनल सोशल चेक किए जाते हैं फाइन मोटर चेक किए जाते हैं ग्रॉस मोटर चेक किए जाते हैं और लैंग्वेज चेक किए जाते हैं अब आप इसको मिला लीजिए इनमें से कौन कौन से मिल रहे हैं इंटेलेक्चुअल लेवल चेक किया जाएगा नहीं किया चेक किया जाएगा इमोशनल डेवलपमेंट चेक किया जाएगा नहीं किया जाएगा सोशल एंड फिजिकल चेक किया जाएगा बिल्कुल फिजिकल में फाइन मोटर भी आते हैं ग्रॉस मोटर भी आते हैं सोशल चेक किया जाएगा आंसर क्या जाएगा बेटा सी क्या आंसर जाएगा सी क्योंकि आपने इसमें तीन चार चीज चेक की है पर्सनल सोशल चेक की है फाइन मोटर ग्रॉस मोटर चेक किया और लैंग्वेज चेक किया है ठीक <coughs> है बच्चे नर्सिंग पढ़ ले बेटा तू है जब होते रहेंगे ओपन होंगे तब चले प्रजापति बेटा ऑलवेज मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है मस्त रहो अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा फटाफट देखें अरे नहीं किया गूगल चेंज वही तो है भाई पूजा पार्टी सर एक शायरी वो लड़कियों को भी शायरी पसंद है बहुत बढ़िया मुझे लड़के लगा सब लड़के ही हैं जो दिल से परेशान हैं बढ़िया है भाई अरे भाई आपकी सारी बलाएं ले लूं मुझे मुस्कुराते जाइए अरे इम्स गॉड ब्लेस यू बेटा <coughs> क्वेश्चन पढ़िए पहले फिर सुनाएंगे शायरी चलो इस क्वेश्चन के बाद सुना देंगे अच्छी सी जिए <laughs> <सर मुस्करा देजी। laughs> चलो नर्स प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन टू ए न्यू मदर रिगार्डिंग द साइकोसोशियल डेवलपमेंट ऑफ न्यू बॉर्न इंफेंट साइको सोशल किसने दिया एरेक्शन ने दिया एरेक्शन ने साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी नर्स इंस्ट्रक्ट द मदर नर्स को माँ को क्या समझाना चाहिए इसने कहा कि अलाउ द न्यू बॉर्न टू सिग्नल दे नीड ये कह रहा है कि बच्चे को सिग्नल देने दीजिए कि उसको जरूरत है बिना अब रोए दूध मत पिलाइए जब रोए तब दूध पिलाइए उसे पता पड़ना चाहिए क्या करने से क्या मिलता है आप इसे एंटीसिपेट मत करिए कि दो घंटे हो गए भूखा होगा दूध पिला देती हूँ दूध पीना होगा रो लेगा रो लेगा तो मांग लेगा और मांग लेगा तो पिला देना एंटीसिपेट मत करिए अवॉइड द न्यूबोर्न इन्फेंट ड्यूरिंग फर्स्ट ये कह रहा है पहले दस मिनट रोने दीजिए पहले दस मिनट रोने देने से क्या होगा वो बैटरी जो गर्म करोगे उसके बाद इंजन चालू होगा ऐसा तो है नहीं कि दस मिनट रोने के बाद उसकी बैटरी गर्म हो जाएगी फिर वो लगातार दूध खींचता रहेगा ऐसा भी नहीं है कि पहले चार्ज में लगा दो दस मिनट का रोने को तो ये बात भी नहीं है कि मिनट अटेंड द न्यू बॉर्न इन्फेंट इमीडिएटली वैन क्राइंग अटेंड द न्यू बॉर्न इन्फेंट इमीडिएटली वैन क्राइंग तो ये कहता है कि अगर बच्चा तुरंत आप उसे अटेंड कर लीजिए जब वो रो रहा है तो ये कह रहा है कि पहले उसे सिग्नल तो देने दीजिए कि उसे भूख लग रही है कू कू करेगा हाथ हिलाएगा कुछ तो ऐसा इशारा करने दीजिए इसको पता रहे कि ये अपना अपनी चीजों को व्यक्त कर पाता है तो बेटा आंसर क्या जाएगा आंसर जाएगा ए क्या आंसर जाएगा ए समझ में आ रहा है ना चलो एक शायरी सुनो बढ़िया से करो फटाफट एक साथ करो जल्दी फटाफट एक साथ सुनाए वेरी गुड वाह वाह इंडिया विन चलो सुनो हम उसे जीत के लाए हैं अना वालों से हम उसे जीत के लाए हैं अना वालों से भाग के कबीले से नहीं आए हैं हम उसे जीत के लाए हैं अना वालों से भाग के अपने कबीले से नहीं आए हैं एक बच्ची से खरीदे थे ये गजरे हमने एक बच्ची से खरीदे थे ये गजरे हमने लौट के हम किसी मुजरे से नहीं आए हैं एक बच्ची से खरीदे थे ये गजरे हमने लौट के हम किसी मुजरे से नहीं आए हैं किसी जरदार वसीले से नहीं आए हैं आप महफिल में सलीके से नहीं आए हैं किसी जरदार वसीले से नहीं आए हैं आप महफिल में किसी सलीके से नहीं आए हैं हमको उड़ने की सीखने दिन से निभाओ हमको उड़ने के सलीके ना सिखाओ हम पेड़ से आए हैं पिंजरों से नहीं आए हैं समझाए बच्चे हमें उड़ना मत सिखाओ हम पेड़ से आए हैं हम पिंजरों से नहीं आए हैं पिंजरों वालों को सिखाया जाता है उड़ना ठीक है बच्चे चलो वाह 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 बहुत बढ़िया मजा आया परफेक्ट चलो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन और इफ सपोज आई एम नॉट गिविंग द आंसर ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन देन फॉलो ऑन इंस्टाग्राम आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और फॉलो करके आपके जो क्वेश्चंस हैं मुझे भेज सकते हैं तो ज्यादातर मैं इंस्टाग्राम के क्वेश्चनों का आंसर कर देता हूं इंस्टाग्राम के आपको आंसर आपको आईडी मिल जाएगी पंकज डॉट डॉट सेवन इस आईडी पे आप फॉलो कर सकते हैं और इस आईडी पर फॉलो करने के बाद आपको क्वेश्चन मुझे भेजोगे तो अपने कोई भी आपके डाउट जो होते हैं वो भेजते हैं तो मैं ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर दे पाता हूँ जब मैं फ्री होता हूँ तो तो जब भी टाइम मिले आपको लगता है कि आपको मुझसे कनेक्ट होना है और आपको लगता है कि मुझसे बात करनी है किसी भी टॉपिक पर जब मैं यूट्यूब पर नहीं आता हूँ देन यू कैन मैसेज में इंस्टाग्राम पंकज डॉटिन डॉट सेवन एंड आई विल सी दैट क्लियर बच्चे चलो अगला क्वेश्चन <coughs> एज ग्रुप हैज द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल फॉर डिमोस्ट्रेट रिग्रेशन रिग्रेशन कौन सा यानी बिहेवियर बिहेवियर होता है रिग्रेशन को शो करेगा कौन सी एज ग्रुप का बच्चा शो करता है आंसर है है बच्चे टॉडलर क्योंकि इसी में पाया जाता टेम्पर टेंट्रम ये जो टेम्पर टेंट्रम है बाल खींचना दीवार में सर पटकना ये सब करना किसके काम है आंसर है टेम्पर टेंट्रम के काम है ठीक है बच्चे तो बेटा याद रखिएगा इन चीजों को आप सर यहाँ ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट हो गया ना तो एक कैसे हुआ क्या हुआ ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट में अपना सिग्नल शो करना ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट में हो जाएगा उसे रोने थोड़ी दे रहा हूँ सिग्नल शो करने को बोल रहा हूँ और उसे जब रोने पर चीजें मिल रही हैं तो ट्रस्ट हो गया ना कि मैं रोऊंगा तो माँ संभाल लेगी कहाँ हुआ मिस्ट्रस्ट भाई करण सिंह चौहान क्या नाम है तेरा

एवरेज मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंस ऑफ नॉर्मल चिल्ड्रन एट द एज ऑफ फोर ईयर चार साल के बच्चे का नॉर्मल चिल्ड्रन का मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंस कितना होता है <laughs> सर। कितना होगा बच्चे आंसर है चौदह सेंटीमीटर बारह कौन कह रहा है भाई बारह तो मान नरेस्ड है ये भी मान नरेस्ड है तो एवरेज कितना होता है एवरेज होता है चौदह सेंटीमीटर ठीक है ये याद रखना राव साहब तबीयत एकदम मस्त है टेंशन मत ले ये भाई की क्लास है शायरी में भी वजन होता है तो मेडाम सरकम फ्रेंड्स आपको पता है कि एज इंडिपेंडेंट होता है बच्चा सही कह रहा है मैं इसके लिख देता हूं बात इतना दिल पे एज इन डिपेंडेंट क्राइटेरिया होता है यानी एज पे डिपेंड नहीं करता एक से लेके पांच साल में सबका सेम होता है ठीक है बच्चे लेस देन ट्वेल्व पॉइंट फाइव सेंटीमीटर अगर है तो ये माल न्यूट्रिशन में शामिल किया जाएगा आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी समझ आ रहा है बच्चे गुड चलो नेक्स्ट मनीज स्टैंडर्ड क्राइटेरिया ऑफ यूनिट फॉर ट्रांसफरिंग बेबी फ्रॉम द नर्सरी टू द पोस्टनेटल वार्ड नर्सरी से सिंपल पोस्ट नेटल वार्ड में शिफ्ट करना है और ये शिफ्ट करने के लिए क्या स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होना चाहिए ये बताइए क्या स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होना चाहिए फटाफट आंसर दो बैठे बताओ फटाफट एक बार मैं ऐसे बोल रहा था एमपीटी वैसेस मेक मचनोस और वो केजीएम पूछ लिया मैं ऐसे बोलता था खाली बर्तन ज्यादा आवाज करते हैं ऐसे मैंने बोला था एम पी वैसल्स मेक मचनो तो साथ एस जी में पूछा था के जी एम में सेम पूछ लिया कि बताओ एम पी वैसल्स मेक मचनो इसका मतलब क्या है खाली बर्तन ज़्यादा आवाज़ करना मतलब कहते हैं ना जो अंदर से खाली होते हैं ज़्यादा आवाज़ करते हैं वैसे ही वाली बात ऐसा हो जाता है तो कई बार शायरी तो नहीं पूछी पर एक बार मेरी कहे हुई बात जरूर पूछ ली थी एग्जाम में अच्छा सब का आंसर डी है चलो सब का आंसर डी है तो ये तो गलत कर देते हैं आंसर है बच्चे सी स्टेबल आपने कहा स्टैंडर्ड क्राइटेरिया बताओ स्टेबल हो गया स्टेबल का मतलब ये नहीं कहा कि ठीक हो गया जैसा था वैसा रुक गया है अगर 32 पे है तो 32 डिग्री पे रुक गया है स्टेबल कहते हैं अगर गिरता रहेगा तो अनस्टेबल होगा बत्तीस पे रुक गया तो बत्तीस पे थोड़ी शिफ्ट कर दूंगा भाई अगर टेम्पर बत्तीस हो गया है, तो बत्तीस शिफ्ट कर नहीं है साल के अच्छा जी और ये, ये गेन कर रहा है पांच ग्राम पर डे गेन करने के बाद थोड़ी शिफ्ट कर दूंगा गेन प्रॉपर होना चाहिए मदर कॉन्फिडेंट टू लुक आफ्टर माँ ने कहा वो टेक केयर कर लेगी और बच्चा ठीक है तो आप इसे ले जाओ स्टेबल कर लो और कहा ले जाओ सिंपल वार्ड में ले जाओ तो आंसर बेटा क्या जाएगा सी ऑल ऑफ देव अब नहीं जाएगा आंसर सी होगा <coughs> अच्छा सैफ वाले में आया था समझ आ गया बच्चे तो डी तो नहीं आएगा इसका आंसर <coughs> <coughs> ठीक है चलो अगला क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट बताओ बच्चे कौन से वाले बच्चे को के नहीं दी जाएगा कौन से बच्चे को के नहीं दे सकते बहुत ईजी है सर मिला एक के एम्स मिले और भाई से जॉब लग का जल्दी मिले अब एम्स मिल गया है भाई से मिलना बहुत जल्दी बेटा गॉड ब्लेस यू घर वालों का ख्याल रखो अपना ख्याल रखो ठीक है बेटा चला बेटा <laughs> आंसर है एन जी ट्यूब वाले से क्या के एम सी दे सकते हो दे सकते हो क्या बेबी जो आई वी दे रहा है वो दे सकते हो दे सकते हो बेबी रिसीविंग फ्ली ऑक्सीजन दे सकते हो ऊपर अगर वेंटिलेटर पे है तो वेंटिलेटर पे तो यार बहुत सामान लटका होता है बहुत सारे ट्यूबिंग होती है तो वेंटिलेटर पे या तो माँ को वेंटिलेटर पे लटा दो या फिर वेंटिलेटर पे लगा रहे हो तो फिर से हटा के माँ पे लगाओ माँ और वेंटिलेटर में से एक ही जगह बच्चा रह सकता है और वेंटिलेटर पे बच्चा वो होता है जो मौज के लिए नहीं क्रिटिकल बीमार होता है क्रिटिकल बीमार होने के बाद बच्चे को वेंटिलेटर से नहीं हटाते के देने के लिए के में कोई जादू की छड़ी संजीवनी नहीं है कि तुमने गले लगाया और बच्चे के ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ नॉर्मल हो गया वेंटिलेटर पर तब रखा गया जब बच्चा बहुत डीप प्रवाई कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं उसके ऑर्गन तो वेंटिलेटर से हटाकर कभी के नहीं देते ये गलत बात है तो अगर बच्चा वेंटिलेटर पे हो तो सोचना ही मत के के बारे में घंटे के एमसी मजा आ जाएगा ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी ठीक है चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपने एमसी के एमसी की पोजीशन दे तो कैसे देना है आपको याद रखना सर पे कैप होना जरूरी है कैप पहनाना जरूरी है पैरों में सॉक्स पहनाना जरूरी नहीं पहना है नालायक आदमी ने पैरों में सॉक्स पहनाना जरूरी है यहां पर डाइपर पहनाना जरूरी है नहीं तो माँ को हाइपोथर्मिया कर देगा बच्चे के हाथ से बच्चे के बट बॉटम को माँ अपने हाथ से सपोर्ट देगी अपने बच्चे को एक साइड में टर्न कर देगी दोनों ब्रेस्ट के बीच में बच्चे का हेड आएगा और फ्रॉग लेग पोजिशन होती है बच्चे ये पोजिशन कहलाती है के की पोजिशन क्या कहलाती है केएमसी की पोजीशन कहलाती है ठीक है तो दोबारा सुन लीजिए केएमसी की पोजीशन में बच्चे का ट्रंक टच होता है माँ के एपी के रीजन से इसमें बच्चे का हेड एक तरह से टर्न होता है अगर मुंह सीधा रख देगा तो नाक दब जाएगी दोनों ब्रेस्ट के बीच में समझ तो में आ रहा है हाथ ऐसे होते हैं पैर भी ऐसे होते हैं फ्रॉग लेग पोजिशन कहलाता है और ये के के लिए बेस्ट पोजिशन होती है तो के के लिए कौन सी पोजिशन है आपके सामने दिख रहा है के की वही पोजिशन है जो उसमें दिख रहा है फ्रॉग लेगड है डाइपर पहना होगा सॉक्स पहना होगा कैप पहना होगा सपोर्ट द बॉटम बॉटम को सपोर्ट दिया जाएगा ठीक है बच्चे चलो अगला क्वेश्चन <laughs> मदर शुड प्रैक्टिस के एम सी एटलीस्ट माँ को के एम सी की प्रैक्टिस एटलीस्ट कितनी करनी चाहिए अरे तुम सी आंसर क्या को दे रहे हो आंसर है कम से कम एक घंटे तो बेटा मिनिमम इसका ड्यूरेशन वन आवर होता है ये एग्जाम में पूछ चुका है आपने कहा सर ये बताओ कि इसमें नॉर्मली कितना देते हैं तो नॉर्मली इसको हम देते हैं तीन से लेके आठ घंटे अगर पूछे कि मैक्सिमम कितना दे सकते हैं तो मैक्सिमम इसको 24 घंटे तक दे सकते हो कौन दे सकता है कोई ज़रूरी नहीं है कि माँ ही दे फादर भी दे सकता है पर बोलने में अच्छा नहीं लगता कंगारू फादर केयर फीलिंग नहीं आती के एफ सी हो जाता है ये और के एफ़ सी में भैया चिकन बनते हैं के एफ सी में के एफ सी में है ना बच्चा गर्म नहीं होता मुर्गा गर्म होता है तो कंगारू कंगारू फादर केयर बड़ा अजीब सा लगेगा तो के नहीं बोल सकते के बोलते हैं कंगारू मदर केयर तो अगर आपने कहा ठीक है तो आप कोई ग्रांड मदर दे सकती ग्रांड मदर दे तो सकती पर शर्त यह है कि ग्रांड मदर गर्म हो जिस उम्र की ग्रांड मदर है वो ठंडी हो चुकी होगी वो ठंडी महिला इसे कोई भी गर्मी नहीं दे सकती इसलिए याद रखना कि चांसेस कम है और कोई गर्म है जो गर्म है वो दे सकती है चाची दे सकती है बुआ दे सकती है कोई भी दे सकती है पर दादा दादी को थोड़ा दूर रखना उनकी बस की लग नहीं रही इसको ठंड दे दी तो दादी निबट जाएगी पोते के बचाने के चक्कर में दादी गाय वो दादी मर गई तो बोला बोला पता चला कैसे मर बोला केम्सी देते देते मर गई तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए तो केम्स, केम्सी कोई भी दे सकता है घर का आदमी बस हेल्दी हो इसकी इच्छा हो के देने का और माँ ज्यादातर देती है तो माँ का ही नाम बोलते हैं के एम सी कंगारू मदर केयर सब समझ में आ रहा है याद रहेगा इतनी सारी बातें चलो <coughs> चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा फटाफट बेटा फटाफट क्वेश्चन का आंसर दो मौसी हाँ तू तेरा ध्यान पूरा मौसी पे है बेटा साली मत छोड़ना तू <laughs> फिर दादी को कम देनी पड़ेगी दादी को के एमसी कैसे देगा दादी की तो निबट ली केपीसी देनी पड़ेगी कंगारू पड़ोसन के फ्रोजन डीपीटी वैक्सीन शुड बी जो फ्रोज हो चुकी है जो फ्रोज हो चुकी है उसको डिस्कार्ड करिए ना उसे अभी काम में लेना है ना उसे पानी में घोल कर पिघलाना है ना इसको बाद में काम में लेना है इसको डिस्कार्ड करते हैं जो फ्रोजन हो चुकी वो वेस्ट हो चुकी जमी वैक्सीन कभी काम में नहीं आती भाया जमी वैक्सीन को काम में नहीं लेते ठीक है इसको ना तो पिघलाते हैं ना इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं ना इसको कुछ भी नहीं करते जो फ्रोजन हो चुकी है उसको डिस्कार्ड करते हैं इसके लिए तो करते हैं से टेस्ट सेक टेस्ट किया जाता है ना कि जो फ्रोजन है वो देख लेते फ्रोजन है कि नहीं हुई है ठीक है चलो रिकमेंड डेली इनटेक ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व इन्फेंट विटामिन बी ट्वेल्व का इन्फेंट के लिए डेली इंटेक कितना होता है बताओ फटाफट को सीपीआर देना पड़ेगा फिर संजय धाकड़ एम्स भोपाल आई एम वाचिंग क्लास फ्रॉम सी टीवीसी बाप रे दैट डेडिकेशन फॉर बाइंग गॉड ब्लेस यू संजय के बेटा सब के लिए नहीं करते हैं सेक टेस्ट ठीक है बेटा जिसने कहा क्या है रिकमेंडेड विटामिन बी ट्वेल्व का डोज सीधा याद रखना जीरो पॉइंट टू माइक्रोग्राम जीरो पॉइंट टू माइक्रोग्राम है इन्फेंट के लिए विटामिन बी ट्वेल्व का रिकमेंडेड डोज जो आपको ध्यान में रखना है ठीक है बेटा सर जी पेपर बता दो नोट सेट की तरह अच्छा पेपर आउट करवाएगा तू गलत बात एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ टर्म बेबी टर्म बेबी का ब्लड प्रेशर कितना होता है फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए समय का अभाव है और फटाफट आंसर दीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन है तो आंसर भी डायरेक्ट आएंगे इसके

कॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एक्सेप्ट कौन सा ऐसा कॉज नहीं है जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया करवाएगा फटाफट आंसर दीजिए जबर आंसर है ऐसे हल्कू में मतलब इस क्वेश्चन को पाया शब्दगंज में एन ए बी एच सर आज पता नहीं लगा क्लास का उसने बिजी था अच्छा बच्चा चल कोई बात नहीं बेटा रमाकांत गॉड ब्लेस यू एडुकेट इनटेक ऑफ आयरन अगर आप आयरन को इनटेक करोगे लेस तो फिर तो आपको आयरन डिफिजेंसी एनीमिया होगा ना तो एक्सेप्ट में तो नहीं आएगा ये लैक ऑफ आयरन एब्जॉर्प्शन अगर किसी के ड्यूडेनम में प्रॉब्लम है या प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है और आप उसकी वजह से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे तो आप कितना भी खा लो आयरन बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ब्लड में नहीं जाएगा और ब्लड में नहीं गया तो बोन मैरो में नहीं जाएगा और बोन मैरो में नहीं जाएगा तो हीमोग्लोबिन आरबीसी नहीं बनेगा तो इसका मतलब एनीमिया होना तय है अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि अगर तुमने डाइट में आयरन कम लिया तो आयरन डिफेंस एनीमिया होना है और अगर आपके बॉडी में आयरन का एब्जॉर्बसन नहीं हो रहा ये तुम दवा के मोमोज पर पिज़्ज़ा खींच रहे हो तो उसमें आयरन तो मिलने से रहा तुम्हें सुबह गोलगप्पे शाम को पिज़्जा राइट दिन को खा लेते हो रहना वाइट सॉस पास्ता शाम को फिर मोमोज़ खींच देते हो मोमोज की इतनी आदत पड़ गई है कि पूरे दिन मोमोज खींच रहे सुबह उठती मोमोज़ मांग रहे आँख खुलने से पहले के मोमोज की व्यवस्था करो दांत की जगह मोमोज से काम चला रहे पेस्ट की जगह तो आप ऐसा खाना खाओगे तो आयरन तो वैसे भी नहीं मिल रहा तो होता है मैंने कहा कि घरी पत्तियों वाली सब्जियों में होता है उसमें आयरन ज्यादा होता है वहां ध्यान दीजिए ब्लड लॉस अगर होगा तो ऑब्वियस बात है आयरन का भी लॉस होगा तो आयरन डिबिजेंसनिया हो सकता है द पुअर इनटेक ऑफ काऊ मिल्क अगर गाय का दूध कम लोगे तो आयरन डिबिजिया होगा ना रे गाय का दूध कम लेने से आयरन डेफिससी एनीमिया नहीं होता बल्कि इसके चांस कम होते हैं जितना तुम चांस जितना तुम कम लोगे गाय का दूध उतने ही लेस चांस होंगे क्या होने के आयरन डेफिशियसी एनीमिया होने के काहे को मैंने कहा याद रखना गाय के दूध में मास बेशक गाय हमारी माता है गाय का दूध बहुत अच्छा है पर बेटा गाय के दूध में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती और ये जो कैल्शियम होता है वो इंटरफेयर करता है किसके एब्जॉर्बन में एक किसके एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करता है डॉक्टर साहब आंसर है आयरन के तो जितना तुम गाय का दूध ज्यादा पियोगे आयरन का एब्जॉर्प्शन उतना कम होगा और गाय का दूध जितना कम पियोगे आयरन का एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा तो कम पीने से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के चांस खत्म हो जाते हैं तो यही पूछ रहा है कि कौन सा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं करेगा तो गाय का दूध कम पीने से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं होता गाय बेशक हमारी माता है इसका दूध अमृत के समान होता है पर बछड़े के लिए इंसानों के लिए नहीं होता समझ में आ रहा है ना बच्चे बिल्कुल तो आंसर क्या जाएगा आंसर जाएगा डी क्या गया डी क्लियर चलो अगला क्वेश्चन विच ड्रग इज प्रिवेंट फॉर एच आई वी ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड माता जी से बच्चे को एच आई वी ट्रांसफर बचाने के लिए कौन सी दवाई का इस्तेमाल किया जाएगा अरे पिस्ता नहीं का भैया ए पिस्ता नहीं कहा है वाइट सॉस पास्ता कहा है मेरे अंग्रेज काय का पिस्ता खींच रहा है इधर पास्ता और पिस्ता में फर्क होता है डॉक्टर साहब एक आई है और एक ए है पत्ता गोभी अबरे पत्ता गोभी में पत्ता नहीं होता स्टेम होता है तना खा रहे हो तुम पत्ता गोभी में आंसर है नेवीरा पेन एकदम सही का है बच्चों लोगों ने एकदम बढ़िया आंसर दिए बहुत बढ़िया तो नेवीरा पेन का आंसर है मैंने कहा नेवीरा पिन क्या करेगा वही उधर लिखा है बच्चे नेवीरा पिन नेवीरा पेन देते हैं माँ से बच्चे को ड्रग में आपको अगर चाहिए कि माँ से बच्चे को ट्रांसफ़र करना है बीमारी बचानी है तो हम क्या करेंगे नेवीरा का यूज़ करेंगे समझ में आ रहा है आपको पता है ना पंचानवे दो हजार पच्चीस तक का टारगेट रखे हम लोगों ने आपने का क्या टारगेट रखा है भाई आपने दो हजार पच्चीस का टारगेट रखा है पंचानवे परसेंट साइकिल आपने का मतलब क्या है कि मतलब यह कहना चाह रहा है कि पंचानवे परसेंट पंचानवे परसेंट जो जिंदा पेशेंट बचे हैं किसके एच आई वी के जो निबट गए वो तो ही गए ना डॉक्टर साहब तो जो एच आई वी पेशेंट है वो पंचानवे परसेंट डायग्नोज हो जाएंगे कि उनको एच आई वी है इनमें से इनका जो पंचानवे परसेंट पंचानवे जो डायग्नोस हुए उनके पंचानवे परसेंट की एआरटी स्टार्ट हो जाएगी 2025 तक का टारगेट रखे डॉक्टर साहब हमने ये और इनके पंचानवे परसेंट जितनी की एआरटी स्टार्ट हुई है उनके पंचानवे परसेंट के अंदर उनके पंचानवे परसेंट के अंदर वायरल लोड कम हो जाएगा ये याद रखिएगा जिससे ट्रांसमिशन के चांसेस कम हो जाएंगे तो बेटा पंचानवे परसेंट का डायग्राम मत भूलना 2025 का टारगेट रखें है हम एच आई वी के लिए तो मैं बता दिए अभी से हम फ्यूचर प्लानिंग किसी को बताते नहीं पर मैंने कहा भाई के पास आए हो तो कुछ लेके जाओ तो 2025 तक की बात बता दिए तो आपको बस एक साल और वेट करना है नहीं तो तुम सब एच में काउंट होने लगे हो बिल्कुल नाइनटीन नाइनटीन नाइनटी फाइव एकदम सही कहा गुरु जी ठीक है हाँ पहले नब्बे नब्बे था पंचानवे पिन्चानवे कर दिए अब कब तक नब्बे के लिए बैठे रहोगे करण सिंह भाई देखा दिल देखो तुम दो हजार पच्चीस तक पंचानवे कर दिए हम <laughs> अगला क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंडीशन व इंडिकेट वेन द न्यूबॉर्न फेल्स टू पास मैकोनियम विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स ट्वेंटी फोर आवर्स के अंदर मैकोनियम पास नहीं कर पाता पच्चीस चौबीस घंटे के अंदर मैकोनियम पास न कर पाने की बीमारी क्या कहलाती है मैंने कहा इसे स्प्रंग डिजीज़ कहते हैं ये तो तुम्हें तो याद होगा भाया मेन साइन है आपने कहा बॉर क्या कहते हैं कंजनाइटल क्या कहते हैं कंजनाइटल अगेंगलियोनिक कंजनाइटल ए गेंग्लियोनिक मेगा कोलोन कहते हैं क्या कहते हैं कंजनाइटल ए गेंगलियोनिक मेगा कोलोन सील एक डिजीज में ऐसा होता है नहीं इंटरसप्सन में टेलीस्कोपिंग होती है वॉल डिफेक्ट में एम्फोलोसील और गेस्ट्रोकिस होते हैं उसके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है स्प्रंग डिजीज़ में ऐसा है कि चौबीस घंटे के अंदर बच्चे ने पास नहीं किया क्योंकि ऐसा मानते हैं नाइन्टी परसेंट बच्चे 24 घंटे के अंदर पास कर देते हैं और निन्यानवे परसेंट बच्चे 48 घंटे के अंदर मैकोनियम पास कर देते हैं तो 90 परसेंट तक पास कर देना चाहिए था 24 घंटे के अंदर इसमें क्या होता है इसमें गेंगलियोनिक सेल नहीं पाई जाती सब म्यूकोसल लेयर में तो इससे क्या होता है ऑर्बेक प्लेक्सस और मेजाइनर प्लेक्सस एबसेंट होते हैं जिस वजह से पेरेस्टालसिस मूवमेंट नहीं पाए जाते कौन से मूवमेंट नहीं पाए जाते पेरेस्टालसिस मूवमेंट नहीं पाए जाते स्टूल आगे नहीं खिसकता जब खिसकेगा नहीं तो बेटा फिर मतलब ये ना कि मैकोनियम पास नहीं होगा ना और मैकोनियम पास नहीं होगा तो हमने लिख दिया हिस्प्रंक डिजीज में मैकोनियम पास नहीं होगा मोस्ट कॉमन साइट कोई पूछे तो कहां है बता दीजिएगा रेक्टोसिगमोइड कॉलोन है रेक्टो सिग्मोइड कॉलोन के सबसे ज्यादा चांस होते हैं तो रेक्टो सिग्मोइड कॉलोन आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा चले बच्चे चलो अगला क्वेश्चन कैपेसिटी ऑफ न्यू नेटर रिसेसिटेशन बैग न्यू नेटर रिसेसिटेशन बैग की कैपेसिटी कितनी होती है फटाफट आंसर दे दीजिए आप तो वॉच का नाम एक बार वॉच का नाम बता दो क्या करेगा इस वॉच के नाम का खरीदेगा तू तो? वॉच <laughs> का नाम है नौटिका नौटिका <laughs> नौटिका की है वेरी गुड आंसर है ढाई सौ से साढ़े सात सौ लास्ट टू लास्ट साढ़े सात सौ हो सकता है और ढाई सौ से साढ़े सात सौ इसकी रेंज होती है तो बेटा इसका आंसर है ढाई सौ से साढ़े सात सौ ठीक है बच्चे

अगर आप किसी को मास्क पहना रहे हो बच्चे को जो एम्स में एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो याद रखिएगा एम्स के एग्ज़ाम का क्वेश्चन है कि आपको मास्क किस प्रकार से पहनाना है याद रखिएगा ठीक है बाकी आपके जो सर ने उसको आंसर मान लेना मेरे हिसाब इस से इसमें ढाई सौ से साढ़े सात सौ है ठीक है बच्चे

ऐसे मास्क पहनाना है ऐसे मत पहनाना कि ये वाला पोर्शन खाली रहे ऐसा मत पहना देना कि बाहर आ जाए इतना छोटा भी नहीं चाहिए इतना बड़ा ये ऊपर की तरफ मत खिसका देना नीचे छोटा पड़ जाए नीचे की तरफ ले आओ तो बाहर नहीं लटक के आ जाए ये परफेक्ट थिंग्स यू हैव टू बी एट द मास्क ये जो जीरो साइज का मास्क पहना है नियोनेट ने वो आपको पहनाना है बच्चे ध्यान में रखिएगा ठीक है समझ आ रहा है बच्चे तो पढ़ा रहा हूं यार धूप जैन हद कर रहा है बेटा तू यार अगला क्वेश्चन बताओ <laughs> हद हो गई यार पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन आप जो दे रहे हो कब आपको डिसकंटिन्यू करना है जैसे ही हार्ट रेट 100 क्रॉस हो जाए आपको इसे डिसकंटिन्यू कर देना है हंड्रेड से कम है तो मैं पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देता हूं उसको देने के बाद भी 100 से कम हुई है तो फिर मैं इसको इंटूबेट करता हूँ साठ से कम हो गई तो चेस्ट कंप्रेशन करता हूँ ठीक है बच्चे ये याद रखिएगा राहुल नर्सिंग ऑफिसर थोड़ा उससे ज्यादा ठीक है चलो अरे पढ़ लो यार तुम लोग ठीक है दोबारा सुनो अगर अगर ये जो हर्ट रेट है सौ से नीचे होती है तो मैं पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेट देता और उसके बाद उसके बाद फिर अगर उसको देने के बाद भी सौ के ऊपर नहीं जाती है तो मैं इंटूबेट करता उसके करने के बाद भी अगर साठ ड्रॉप हो रही है तो मैं चेस्ट कंप्रेशन करता और अगर हंड्रेड क्रॉस कर गई तो मैं पीपीबी -पी, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन को बंद कर देता यह बात आपको ध्यान में रखिएगा ओसीपी कब स्टार्ट करते हैं भरत रेवार फर्स्ट डे से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डे ऑफ से स्टार्ट करते हैं ओसीपी ठीक है बेटा चैन मिल गया तो जे ओसी बील बी भी स्टार्ट भी फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस ठीक है चलो ठीक है ओके समझ में आ रहा है ना जब मास्क पहनाओ ना पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर देने के लिए तो सबसे पहले याद रखना कि साइज़ फिक्स होना चाहिए मास्क का सील अच्छे से होना चाहिए मास्क को टाइटली हेड स्लाइटली एक्सटेंड सर को थोड़ा पीछे की तरफ तो माउथ ओपन चार चीज़ें याद रखना जब बच्चे को न्यू नेट को मास्क पहना रहे हो तो क्या करोगे सबसे पहले साइज सही लेना साइज उसके बाद उसको सील करना उसके बाद हेड को स्लाइटली एक्सटेंड करना और उसके बाद माउथ को ओपन करना ये चार चीज़ें मत भूलना दोबारा लास्ट बार रिपीट कर रहा हूँ साइज सही लेना सील सही से करना हेड को स्लाइड एक्सटेंडेड करना और माउथ को ऊपर रखना तब जाकर सही से मास्क पहनेगा बच्चा ठीक है बेटा चलो अगला क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एन एच एम ही तो बड़ा एन एच एम स्कीम पढ़ा अरे भाई सब तुम मुझे क्लास ख़त्म करने देगा आज हर समस्या का समाधान है बस मुझे क्लास ख़त्म करने दे तू आज एन एच एम के बारे में सब चीज बात करूंगा तू टेंशन मत ले क्लास तो पूरी होने दे देख इसे याद रखना इस क्वेश्चन का सब आंसर करो फटाफट हर बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देगा द रिकमेंडेड डोज इंट्रावीनस डोज ऑफ एडलिन इन द न्यू बोर्न न्यू बॉर्न में इंट्रावीनस डोज देना adrenaline का कितना दिया जाएगा यह बात ध्यान में रखेगा बच्चे याद रखना आपको जो डोज है ना इसको तो हटा दो और इसको हटा दो हमेशा कंफ्यूजन इसमें रहता है इसमें कंफ्यूजन अब आगे से फ्यूचर में आपको नहीं रहेगा आप हमेशा याद रखना कि आपको ये जो डोज देना है वो कैसे देना है ठीक है सबसे पहली बात वन एज टू टेन थाउजेंड का ही रेशो लिया जाता है इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है ही नहीं क्लियर अगर वो डोज पूछे आपसे तो डोज अगर वो एम में पूछेगा और या वो डोज एम में पूछेगा इसका ध्यान रखना है बस अगर आपसे वो एम में पूछ रहा है तो 0.1 से 0.3 पॉइंट पर के जी हो गया और अगर वो एम में पूछ रहा है तो 0.01 से 0.03 पॉइंट पर के जी हो गया बेटा एम में हो तो 0.01 है और एम में हो तो 0.1 है इसे मत भूलना आगे हमेशा काम आएगा आपको ये गुड मॉर्निंग फॉर एवरीवन अब सुने ठीक है बच्चे अगर एम में पूछे अगर ml में पूछे तो जीरो पॉइंट वन से जीरो पॉइंट थ्री है और एम में पूछे तो बेटा जीरो पॉइंट जीरो वन से जीरो पॉइंट जीरो थ्री एम है तो एम में आंसर है कि ml में आंसर है यह मत भूलेगा आप और यह एग्जाम में हमेशा आता है तो अब कंफ्यूजन नहीं चाहिए आपको दोबारा सबको मेरी तरफ से बेटा गुड मॉर्निंग ठीक है अब आपने कहा ठीक है सर ये याद रहेगा अब मुझे बता दीजिए आपने जो बताया किस बेस पे बताया मैंने कहा ऐसे बताया मैंने कि जीरो पॉइंट वन एम जी होते हैं पर एमएल में तो इसके हिसाब से कैलकुलेशन है जीरो एक एमएल में जीरो पॉइंट वन एम जी है तो अगर इतना एमएल है तो इसमें जीरो पॉइंट वन एम तो ये कितना हो गया एक पॉइंट और बढ़ जाएगा सो तो दैट इज फॉर एम जी तो बेटा आपसे पूछा जाए एमएल में है या एम जी में इतना याद रखना बस मैंने वादा किया था डॉक्टर सुना किस बात का बात बेटा बता तो बेटा आप एमएल में और एमजी में कंफ्यूजन मत होइएगा यह बात मैं बताना चाह रहा हूं ठीक है अब नहीं होगा अब कैसे गलत होगा अब तो बहुत तेजी कर दिया अगला क्वेश्चन ड्यूरिंग एनबीआर न्यूबोर्न रिसेसिटेशन चेक अम्बलिकल पल्सेशन हार्ट रेट और बेबी फॉर आप ये कह रहा है कि न्यूबोर्न रिसेसिटेशन के लिए न्यूबोर्न रिसेसिटेशन के लिए आप जो अम्बलिकल पल्सेशन में हार्ट रेट चेक करते हो वो कब चेक करोगे एवरी दस सेकेंड पे एवरी छह सेकेंड पे एवरी तीन सेकेंड पे या एवरी वन मिनट पर यह कुछ क्वेश्चन है, कुछन है. आंसर है एवरी सिक्स सेकेंड हर छह सेकेंड में चेक करना है ठीक है बच्चे आपको अम्बलिकल पल्सेशन को हर छह सेकेंड में चेक करना है ठीक है क्लियर ओके नाउ वी डिस्कस अबाउट डी एस एस बी देखो डी के बारे में कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है एक तो पहला ये है कि डी का जो रिज़र्वेशन है मैंने आपको बताया था पहले ही बताया था वापस से रिपीट कर रहा हूँ देखो एस सी वालों को तो रिजर्वेशन मिलेगा इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं ओ वाले जो अदर स्टेट के हैं अदर स्टेट के हैं इनको तो मिलता है अदर स्टेट के ओ को नहीं मिलता OBC जो दिल्ली को बिलोंग करते हैं या एन के हैं उन्हें ही मिलता है बाकी को नहीं मिलता ई के बारे में अभी कन्फर्म नहीं हूँ मैं इसलिए मैं कोई झूठा कमिटमेंट नहीं कर रहा पर मैं बहुत जल्दी मैं इसका मैसेज आपको भेज दूँगा मेरे इंस्टाग्राम या जहाँ भी मैं आपको इसकी इंफॉर्मेशन दे दूंगा अभी तक ई डब्ल्यू के बारे में कंफर्म नहीं हूँ फिजिकल हैंडीकेप्ट को इसका रिजर्वेशन मिलता है जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है ऑल ओवर इंडिया में उनको इसका आरक्षण मिलता है तो एक ई डब्ल्यू एस के कंफ्यूजन है बाकी सारे कन्फ्यूजन मैंने दूर कर दिए क्लियर बच्चे तो ये तो रहा रिजर्वेशन अब बात करते हैं सर एज क्राइटेरिया क्या होगा एज आई एम एक्सपेक्टेड जो मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूं उसके हिसाब से जनरल के लिए एज क्राइटेरिया बत्तीस साल होना चाहिए थर्टी टू ईयर अब इसके बाद इसमें एस टी एस सी के लिए इसमें पांच साल ऐड कर दो और ओबीसी के लिए इसमें तीन साल ऐड कर दो इतना ही फर्क है वो आपको ध्यान में रखना है तो ये हो गया बच्चे एज क्राइटेरिया ये क्या हो गया एज क्राइटेरिया समझ आए बच्चे इतनी सारी चीजें क्लियर हुई अब क्वेश्चन है कि क्या सर नेगेटिव मार्किंग होगी हां नेगेटिव मार्किंग होती है तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है डीएससी में नेगेटिव मार्किंग होती है पर एम्स के कंपेयर में कम होती है पर हाँ यहां पर इसकी नेगेटिव मार्किंग जीरो पॉइंट टू फाइव परसेंट है ठीक है बच्चे जो फिजिक जो विजुअल हैंडीकेप्ड हैं जो विजुअलैप हैं यानी कि जिनके कोई विजुअल प्रॉब्लम है उनको 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलती है उनको प्लस चालीस मिनट एक्स्ट्रा मिलती है दो घंटे के अलावा अगर उनके पास सर्टिफिकेट होता है और वो इसको अप्लाई करते हैं तो डीएसबीजी का पेपर उतना मुश्किल नहीं आता पर उतना इजी भी नहीं आता जो आपको लास्ट डीएसएसबी हुआ था उसमें यूआर की कट ऑफ जो गई थी वो 120.9 गई थी आउट ऑफ 200 200 में से एससी की जो गई थी कट ऑफ वो गई थी बच्चे एक सौ छह पॉइंट इक्यानवे सॉरी पॉइंट उन्नीस अरे हाँ ना बच्चे एस टी की जो गई थी वो गई थी के आसपास सबसे कम ओबीसी का मार्क्स गए थे क्यों क्योंकि सिर्फ उन्होंने दिल्ली वाले को दिया था फिजिकल हेंडीकेप्ट वाले की कट ऑफ गई थी उसमें सिक्सटी पॉइंट अप्रोक्सिमेट साठ गए थे दो सौ में से नंबर तो बेटा ये आपको एक आइडिया मिल जाता है कि पेपर का किस बॉर्डर पर करने से सिलेक्शन होगा पेपर के किस तरीके से किस एस्पेक्ट को टच करने पर आप क्वालिफाई कर पाओगे ये आपको आइडिया हो जाता है अगर आप पढ़ते हो तो डी के बारे में अब बात करते हैं सर सिलेबस के बारे में बता दीजिए तो सिलेबस में बच्चे पहले हिंदी और इंग्लिश दोनों के बता देता हूं जो दोनों आपको ध्यान में रखने हैं हिंदी और इंग्लिश में आप ये चीज़ पढ़ के जाओगे तो आपके नाइन्टी नाइन परसेंट चांस है कि आपके सिलेक्शन होने आपने कहा एक तो बताइए मैंने बताया था आपको एंटोनॉम्स यानी कि जो भी आपके पर्यावरण जो आपके विलोम हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में और सिनोनॉम्स अरे हाँ ना बच्चे तो सिनोनोम्स पढ़ के जाइएगा और एंटोनोम्स पढ़ के जाइएगा काम चलेगा ठीक है बच्चे एरर करेक्शन कोई भी आपको सेंटेंस दिया जाएगा उसमें करेक्शन गलत होगी और उसको आपको सही करना पड़ेगा स्पॉटिंग एरर के नाम से एक चीज़ें आती हैं स्पॉटिंग एरर का आपको ये पूछा जाए निम्न में से कौन सा गलत है तो स्पॉटिंग एरर के नाम से पूछता है आपसे क्वेश्चन प्रीपोजिशन मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाई थी वो आप सिलेबस लिख लीजिए जो मैं बता रहा हूँ सिलेबस बहुत बड़ा है ये इंपॉर्टेंट है जो मेरे हिसाब से एग्जाम में पूछ सकता है इसके बाद एक्टिव वॉइस और पैसे वॉइस के बारे में पूछेगा एक्टिव वॉय एंड पैसे वॉइस ये एग्जाम में पूछता है अरे हाई ना बच्चे एक्टिव वॉइस और पैसे वॉइस पूछेगा और बताइए सेंटेंस कंप्लीट करवाने वाला पूछेगा एडियोम्स पूछता है एडियोम्स यानी कि जो कहावतें जो महावरे हैं और फ्रेजेस पूछता है जो आपको ध्यान में रखनी है एडियोम्स हो गया फ्रेजेस हो गया और एक एक आएगा पैसेज तो बच्चे जो पैसेज आएगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा तो ये हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस है जो मैंने सामने आपके लिखा हुआ है इन्हें पढ़ के जाइएगा चांस ज़्यादा है कि आप क्वेश्चनों को, को टिक कर पाएँ क्लियर है अदर को ओबीसी को कोई फायदा नहीं मिलेगा ना परसेंट का ना एज का ठीक है चलो इसके अलावा बात करते हैं मैथ और रीजनिंग के सिलेबस के बारे में ये आपको हुड्डा सर पढ़ाते हैं मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि इसमें से कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं ठीक है ठीके? इसमें से आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं चेंज रूल पढ़ने हैं मैथ रीजनिंग के चेंज रूल जो भी चेंज रूल होते हैं वो पढ़ने हैं इंटरेस्ट पढ़ना है जो भी ब्याज है चक्रवती ब्याज सिंपल ब्याज वो पढ़नी है इंटरेस्ट पढ़ना है टाइम्स एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करने हैं टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करने हैं ये सब मैं नाम बता रहा हूँ कराएंगे तो आपको आपके सर ही कराएंगे जो भी कराएंगे मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये जो है नंबर के क्वेश्चंस पूछते हैं वो एग्ज़ाम में नंबर का सिस्टम पूछते हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पूछते हैं ठीक है बच्चे डेसिमल फ्रैक्शन के पार्टनरशिप के फंक्शन पूछते हैं ये इंपोर्टेंट है बट पार्टनरशिप पार्टनरशिप के क्वेश्चन इंपोर्टेंट है पार्टनरशिप के क्वेश्चन पूछेंगे इतना से रुस्का इतना से रुस्का है इसके बाद ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसके पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है कैलेंडर के क्वेश्चन आएंगे याद रखना कैलेंडर में जो इडली पियर वगैरह आपको सर पढ़ाते हैं घड़ी के क्वेश्चन आएंगे जो वॉच के जो टाइम के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रॉफिट और लॉस मैथ रीजनिंग मिला के बता रहा हूं मैं ये चालीस नंबर का पोर्शन वर्क डिवीजन पूछा जाएगा एक काम इतने दिन में करता है दूसरा काम कितने दिन में करेगा उसके बारे में बात होगी एग्जाम में आपके साथ परसेंटेज का क्वेश्चन पूछेगा परसेंटेज निकालना और आपको क्या पूछेगा डिस्काउंट का क्वेश्चन पूछेगा तो बच्चे ये सारे मैथ रीजनिंग मिलाकर चालीस नंबर का जो पोर्सन है उसमें इतना आपको कवर करना है ये सब आप कर लीजिएगा ढंग से अब क्वेश्चन बचता है कि सर ये बताओ कि डीएसबी डीएसबी के बारे में आज के टाइम पर जितनी इंफॉर्मेशन दी मैंने सारी आपको दे दी अब बच्चे बच्चे एनएचएम के बारे में और एनएचएम के बारे में जो बच्चे हैं उनके लिए ये है जो सामने आपको दिख रहा है एनएचएम के बच्चे जो बार बार मुझसे कहते हैं उनके लिए सामने मैंने लिए लिखा है बोर्ड पे इसे पढ़ लीजिए एक बार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम एवं योजनाएं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित को कार्यक्रम एवं योजनाएं ये क्लास आपकी कब की है ये क्लास आपकी इक्कीस जनवरी की रात को नौ बजे है तो क्लास के लिए रेडी रहिएगा संडे का दिन है इसमें मैं सारे आपके जितने भी संचालित कार्यक्रम हैं राजस्थान के योजनाएं हैं सी एच और एन एच एम के लिए वो सारी योजनाओं के बारे में मैं बता दूंगा, जितना मैंने आपसे कहा था मैं वो सारा जी के का कोई सिलेबस नहीं होता बच्चे जी के का कोई सिलेबस नहीं होता इसलिए जी के तो आप पढ़ने का प्रयास भी मत करो जितना आता है उतना ठीक है जीके का कोई भी मैं कह रहा हूं कोई भी नहीं है बच्चे ठीक है बच्चे बच्चे चलो क्वालिफिकेशन जी और बी दोनों कर सकते हैं डी का ठीक है बाकी कोई इंफॉर्मेशन हो तो आप मुझसे बात कर सकते हो मुझे मैसेज कर देना इंस्टाग्राम गिव आंसर व्हाट एवर द आंसर इज दैट इज़ और अब बस इतना आज के लिए इतना ही काफ़ी है मिलेंगे अगली क्लास में संडे को इसी समय मिलेंगे रात को नौ बजे और इन क्वेश्चंस के साथ मैं आऊँगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूरे कराऊंगा क्वेश्चन ये कि जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं उम्मीद करते हैं कि ठीक है चलो मैं एन के ये कुछ क्वेश्चन उनको बताकर अगर उनकी सिलेक्शन में सहायता हो जाए तो ये और अच्छी बात है ईश्वर करेगा सब बढ़िया होगा तो इसी के साथ अब विदा लेते हैं और क्लास को मैं लाइव छोड़ रहा लाइव लाइव रहने दूँ या कर चलो मैं क्लास को प्राइवेट नहीं कर रहा पर जाने से पहले कमेंट ज़रूर करके जाइएगा आपके लिए कितनी मेहनत टीचर करता है ये कमेंट में ज़रूर दिखनी चाहिए ठीक है बच्चों और बहुत सारी दुआओं के साथ और बहुत सारे शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ पढ़ते रहिए समय खराब मत करिएगा गुड नाइट शुभरात्रि सब बाखर